गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ सागरिका शर्मा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ रहे हैं। हरियाणा एडीओ का एग्ज़ाम तो कुछ दिनों बाद ही है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कम टाइम में मैक्सिमम रिवीजन को कैसे किया जाए और मैक्सिमम सिलेबस को कैसे कवर किया जाए। तो उसी रिगार्डिंग आज हम हॉर्टिकल्चर को बहुत ही इजी मेथड से, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को मेनली जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, उनकी रिवीजन करनी बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, आज हम उसको शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना की ट्रिक सीखेंगे। इसके साथ ही जिस किसी ने भी न्यू बैच को एनरोल करना है तो AFO के लिए न्यू बैच जो है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आप इसको एनरोल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर किसी ने टेलीग्राम चैनल को या फिर यूट्यूब को नहीं फॉलो किया है तो उसको भी आप कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और इसके लिए आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट कि आपको न्यू अपडेट्स उस चैनल पर मिलती रहे रिगार्डिंग टू द एग्ज़ाम्स एंड अपकमिंग बैचेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड टाइम यूटिलाइजेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो अगर हम हॉर्टिकल्चर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो हम फ्रूट क्रॉप्स की ही बात करते हैं, पोमोलॉजी की बात करते हैं। बट आपको ये भी पता है कि फ्रूट क्रॉप्स के अंदर बहुत सारी क्रॉप्स आती हैं और उनको याद कैसे करना है, किस क्रॉप की कौन सी स्पेशल प्रैक्टिस है, कौन सा उसके अंदर वेराइटीज़ है, उसको कैसे याद करना है, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट आज हम उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे के अकॉर्डिंग याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है जिसके अकॉर्डिंग हमारे मेनली पॉइंट्स बने हुए हैं, बस हमने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है, मतलब कि पर्टिकुलर क्रॉप के रिगार्डिंग उसके अंदर क्या क्या है वही हमने यहाँ पे नोट डाउन करते जाना है, तो हमारा टेबल भी बन जाएगा। दूसरा क्या होगा, हमारी जो रिवीजन करते हैं टाइम, हमें बहुत ही कम टाइम में हमारी रिवीजन कम्प्लीटली हो जाएगी। तो कोशिश की गई है कि इस टेबल में से किसी भी पॉइंट को नहीं एक्सक्लूड किया गया है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्रॉप जो कि आप सभी जानते हो कि मैंगो है ना, तो अगर हम फ्रूट क्रॉप की बात करते हैं तो मैंगो फर्स्ट नंबर पे ही आता है, किंग ऑफ फ्रूट्स हम उसको बोलते हैं, तो उसी से ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे वो किंग ऑफ फ्रूट्स है वैसे ही वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी किंग है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जाम में मैंगो फ्रूट से ही आते हैं, तो सबसे पहले हम उसी को ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम बात करें मैंगो के बारे में तो साइंटिफिक नेम आप सभी जानते हो, साथ साथ में आपको इसका आंसर भी करना है, सो दैट कि आपकी रिवीजन भी होती जाएगी, साथ में आपका टेबल भी बनता जाएगा और आपका जो इस सेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है वो भी हो जाएगा। तो अब आपने बताना है कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, आप सभी को पता है, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है, मैंजिफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। इसके अलावा अगर हम अदर नेम की बात करें कि मैंगो को हम और किस नेम से जानते हैं, तो वो भी आप वेरी अच्छी से जानते हो कि मैंगो को हम नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इसको किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स बोला जाता है, बाथरूम फ्रूट इसको बोलते हैं, प्राइड फ्रूट ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, तो वो सारे नेम्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा वो आएगा किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स। यहाँ इस नेम को याद रखने के आपके दो बेनिफिट्स होंगे, एक तो आपको ये याद रहेगा कि इसको हम किंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं, दूसरा आपको ये भी याद रहेगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ये जो है वो ट्रॉपिकल फ्रूट की कैटेगरीज में आता है। तो ये आपका था यहाँ पे, सभी ने इसका आंसर बहुत अच्छे से किया है, वेरी गुड। एंड इसके अलावा अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली की, तो आपको पता है कि मैंगो की जो फैमिली है एनाकार्डियेसी है। तो दूसरी बात मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगर आपने इस टेबल में से जैसे हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं, साथ में आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो भी इस पर्टिकुलर क्रॉप के रिलेटेड है वो भी आपके माइंड में उसी टाइम आ जाना चाहिए, प्लस आपको ये एस्टिमेट हो जाना चाहिए कि इसके रिगार्डिंग, और जैसे अब यहाँ पे बात हो रही है एनाकार्डियेसी फैमिली की, तो आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो एनाकार्डियेसी फैमिली है वो किस और फ्रूट की या फिर किस और नट की सेम फैमिली है। तो दूसरा आपको पता होगा कि कैश्यू नट की जो है ये सेम फैमिली है, तो यहाँ पे हम कैश्यू नट को नहीं भूलेंगे याद करना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर की, तो क्रोमोसोम नंबर मैंगो का कितना है वो आपको पता है कि 40 है, बट एग्जाम्स में जो है वो इस प्रकार से आता है कि 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 40, तो वहां पे आपने चूज करना होता है कि 40 जो है वो 2n इज इक्वल टू 40 है या फिर 2x इज इक्वल टू 40 है, ऑप्शन इसी अकॉर्डिंग होता है। तो ध्यान रखना इस बात का कि 2n इज इक्वल टू 40 है बट 4x इज इक्वल टू 40 है। अब यहां पे n और x का मीनिंग क्या है वो भी आपको पता होगा कि n का मतलब होता है क्रोमोसोम पेयर, तो हम यहां पे पेयर की बात कर रहे हैं, और x का मतलब है सिंगल क्रोमोसोम। तो आपको ये भी पता है कि मैंगो जो है वो टेट्राप्लाइड स्पीशी है, तो उसी वजह से
इसका जो क्रोमोसोम नंबर है वो 40 है। तो ये आपका आंसर सभी ने अच्छे से बता दिया है। साथ ही अब आपने ये बताना है कि अगर मैंगो का 40 क्रोमोसोम नंबर है तो कैश्यू नट का कितना होगा, क्योंकि दोनों सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्रोमोसोम नंबर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो आपका आपने इसका आंसर जो है वो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आता है इसका फिफ्थ पॉइंट जो है ओरिजन का। तो ओरिजन आपको पता है मैंगो का क्या है, वेरी वेल यू नो अबाउट इट। तो इसका जो ओरिजन आएगा वो क्या आएगा, इंडो बर्मा, या फिर हम इसको जो है वो साउथ ईस्ट एशिया भी बोलती हैं। दोनों ही ध्यान में रखनी, ऑप्शन अकॉर्डिंग आपने चूज करना है कि वो क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें न्यूट्रिटिव वैल्यू की, तो न्यूट्रिटिव वैल्यू में ये आएगा कि इस पर्टिकुलर फ्रूट में कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिशियस प्रेजेंट हैं जो कि इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस को प्लस इसकी हेल्थ इंपॉर्टेंस को बढ़ा देती हैं। वेरी गुड, सभी ने इसका आंसर किया है 42। तो कैश्यू नट का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 42 आएगा। तो साथ में देखो हमें यहाँ पे मैंगो भी याद हो रहा है, साथ साथ में हम कैश्यू नट को भी डिस्कस कर रहे हैं, प्लस हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फैमिली की क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैंगो जो है वो मोनोकॉट्स में आएगा या फिर डाइकॉट्स में आएगा। तो ये आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है इसको। तो नेक्स्ट अगर हम न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें, तो आपको पता है कि मैंगो जो है वो विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स है। 4800 IU इसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, बट विटामिन ए के अलावा इसके अंदर विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, बट स्पेसिफिक वैरायटी में है जो कि जिसमें हाईएस्ट विटामिन सी प्रेजेंट होता है। अब विटामिन ए के साथ साथ यहाँ पे क्या है, विटामिन सी है। विटामिन सी रिच वैरायटी कौन सी है वो भी आपने साथ में ही नोट डाउन कर लेनी है। बॉम्बे ग्रीन में जो है वो विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया हुआ इस चीज़ को, और एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी एज इट इज ही आ जाता है कि किस वैरायटी में जो है वो मैंगो का विटामिन सी प्रेजेंट है। यस, वेरी गुड, डाइकॉट इसका आएगा क्लासिफिकेशन। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम टीएसएस की बात करें, तो टीएसएस के अकॉर्डिंग जो है वो आपको पता है कि मैंगो के लिए यहाँ पे दो बातें आएंगी। एक तो ये आएगा कि अगर मैंगो की हमने वैल्यू वेराइटीज़ को वैल्यूएट करना हो कि कौन सी वैरायटी अच्छी है या फिर कौन सी कम अच्छी है, तो उसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया मेन टीएसएस ही होता है। तो टीएसएस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 20 डिग्री ब्रिक्स जो है वो मैंगो की टीएसएस आएगी, जो कि गुड वैरायटीज़ में होनी चाहिए या फिर प्रेजेंट होती है। तो 20 डिग्री ब्रिक्स इसका जो है वो आंसर आएगा। इसके अलावा अगर हम एग्ज़ाम में अगर आपको ये आ जाता है कि मैंगो की वैरायटीज़ में टीएसएस क्या होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग टाइम पे अगर हम बात करें तो मिनिमम जो टीएसएस की वैल्यू है वो होनी चाहिए आपकी 12 डिग्री ब्रिक्स। तो ये होती है बात जब हमने उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। और आपको ये भी पता है कि हार्वेस्टिंग के बाद फ्रूट की रैपनिंग प्रोसेस में कंटिन्यू रहती है, क्योंकि मैंगो क्या है, क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट है। तो इसी वजह से इसकी टीएसएस में चेंज आएगा, क्योंकि स्टार्च का कन्वर्जन जो है शुगर में होता रहेगा आफ्टर द हार्वेस्टिंग। तो इसी वजह से इसका जो राइट आंसर आएगा हार्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो 12 डिग्री ब्रिक्स आएगा, बट अगर हम वराइटीज की बात करें तो उसका जो आंसर आएगा वो 20 डिग्री ब्रिक्स आएगा। इसके अलावा साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि मैंगो की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें हाईएस्ट टीएसएस प्रेजेंट होती है और कितनी होती है, ये भी आपने इसका आंसर करना है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि मैंगो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। अगर हम एसिड की बात करें तो मैंगो में जो है वो मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, आप सभी को पता है इसके बारे में। तो मैलिक एसिड आएगा इसका यहाँ पे। अगर प्लांट की हम बॉटनी के बारे में बात करें तो बॉटनी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है वो आती है कि उसका इन्फ्लोरोसेंस टाइप क्या है, प्लांट का ब्लूमिंग पीरियड क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेनली पॉलिनेशन इसमें आता है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इन्फ्लोरोसेंस की, तो मैंगो के अंदर जो इन्फ्लोरोसेंस है वो पेनिकल होती है, पेनिकल टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस। प्लस दूसरा अगर हम एग्जाम में ये भी आ जाता है कि इस पेनिकल में फ्लावर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, मतलब कि फ्लावर किस टाइप के प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि मेल एंड हर्माफ्रोडाइट आएगा। और इस कंडीशन को हम जो है वो एंड्रोमोनोशियस भी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आपको ये दोनों तीनों टर्म्स ही एग्जाम में आज आ सकती हैं कि मैंगो की टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस क्या है, उस इन्फ्लोरोसेंस में कौन से टाइप के फ्लावर्स प्रेजेंट है और उसको हम क्या बोलते हैं। तो तीनों ही चीज़ें आपको एग्जाम में आ सकती हैं। तो वेरी गुड, अंकिता ने आंसर किया है जेवियर वैरायटी। वैसे इसका जो टीएसएस है वो 23.6 या 23.8 ब्रिक्स होता है, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू भी इसकी याद होनी चाहिए। वैसे आपने 24 बताया है, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही है, बट अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो वो 23.8 डिग्री ब्रिक्स होता है। नेक्स्ट बात आती है बीयरिंग हैबिट की। तो बीयरिंग हैबिट का मतलब क्या है कि जो फ्लावर्स हैं प्लांट के वो किस पोर्शन पे लग रही हैं, किस प्लांट के पोर्शन पे इमर्ज होती हैं। तो इसका भी आपको पता है कि मैंगो का बीयरिंग हैबिट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आएगा, टर्मिनल फ्लावर्स होते हैं इसके टर्मिनल पोजिशन पे प्लस ओल्ड सीजन ग्रोथ पे।
इसके अलावा नेक्स्ट बात करें पॉलिनेशन एंड इट्स मैकेनिज्म, तो पॉलिनेशन इसका क्या है? अगर फ्लावर्स मेल एंड हर्माफ्रोडाइट है तो पॉलिनेशन क्या होगा? क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और किस मैकेनिज्म की वजह से होगा वो भी हमने ऊपर लिखा था, एंड्रोमोनोशिस। वैसे तो मोनोशिस की कैटेगरी में आएगा, बट अगर हम मोनोशिस को स्पेसिफाई करना है तो वो एंड्रोमोनोशिस की कैटेगरी में आएगा, तो ये भी आपका बहुत इजीली यहाँ से आपको लर्न हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें पॉलिनेशन एजेंट की, तो मैंगो के अंदर वैसे तो एंटोमोफाइलस मोड ऑफ पॉलिनेशन है, बट अगर हम स्पेसिफिक इंसेक्ट की बात करें कि कौन सा है, तो वो हाउस फ्लाई है। और यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मैंगो की जो है वो पॉलिनेशन एजेंट कौन सा है, इसका टाइप ऑफ फ्लावर क्या है, बेरिंग हैबिट क्या है, प्लस इसका पॉलिनेशन मैकेनिज्म कौन सा है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं, तो इनको ध्यान से रखना है। दोनों पॉइंट्स जो थे, तीनों पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करें, तो नेक्स्ट आता है फ्रूट टाइप के बारे में। तो मैंगो की फ्रूट टाइप क्या है, आप सभी को पता है, स्टोन फ्रूट या फिर इसको ड्रूप बोलते हैं, जो कि बेरी की ही मॉडिफिकेशन है। तो स्टोन या ड्रूप इसकी जो है वो फ्रूट टाइप है। एडिबल पोर्शन इसका क्या है, आपको पता है कि पील इसका रिमूव किया जाता है, प्लस इसका स्टोन के अराउंड जो फाइब्रस लेयर होती है वो भी ऑटोमेटिकली स्टोन के साथ ही रिमूव हो जाती है। तो यहाँ पे इसका एडिबल पोर्शन क्या आएगा, मीजोकार्प आएगा, ओनली मिडल लेयर या फिर जिसको हम पल्पी और जूसी लेयर बोलते हैं तो वही आएगी। तो मीजोकार्प इसका जो है वो फ्रूट टाइप एडिबल पोर्शन आएगा। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक के बारे में, तो यहाँ पे क्लाइमेट की बात करते हैं। तो क्लाइमेट को तो हमने स्टार्टिंग में ही लर्न कर लिया था कि क्लाइमेट इसका यहाँ पे क्या आएगा, ट्रॉपिकल क्लाइमेट आएगा। बट अगर हम ट्रॉपिकल के अकॉर्डिंग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की बात करें, तो मैंगो के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो है 24 to 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है कि मैंगो के लिए जो आइडियल टेम्परेचर रेंज है वो क्या है। इसके अलावा अगर हम सॉइल पीएच की बात करें, तो मैंगो जो है वो स्लाइटली एसिडिक पीएच को टॉलरेट कर लेता है, बट अल्कलाइन को बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट करता। इसी वजह से इसकी जो पीएच रेंज है वो 6 to 7 के बीच में ही लाई करती है। नेक्स्ट अगर हम राइपनिंग बिहेवियर की बात करें, तो आपको पता है कि मैंगो इज अ क्लाइमेट्रिक फ्रूट, तो यहाँ पे तो क्लाइमेट्रिक ही इसका आंसर आएगा, तो क्लाइमेट्रिक आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आता है पिगमेंट प्रेजेंट, तो मैंगो के अंदर कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है। अब हमने पीछे पढ़ा था कि मैंगो के अंदर एसिड कौन सा, सॉरी विटामिन कौन सा प्रेजेंट है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि विटामिन का डायरेक्ट रिलेशन होता है पिगमेंट के साथ। अगर मैंगो के अंदर विटामिन ए प्रेजेंट है, या फिर कोई भी ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जो कि येलो, वो मेनली येलो कलर वाले फ्रूट्स में ही होता है, तो मैंगो की यहाँ पे पिगमेंट अगर हम बात करें तो येलो है। बट येलो के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आती है, एंथोफिल्स आ जाएगा, कैरोटीनॉइड्स आ जाएगा, फ्लेवोनॉइड्स आ जाएगा, तो मैंगो की जो पिगमेंट आएगी यहाँ पे वो फ्लेवोनॉइड्स आएगी, येलोश ऑरेंज कलर या फिर येलोश ग्रीन कलर, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फ्लेवोनॉइड्स आएगी। और अगर हम मैंगो के फ्लेवर की बात करें तो फ्लेवोमोन्स आएगा। दोनों बातों को आपने ध्यान में रखना है, दोनों ही यहाँ पे रिलेटेबल हैं, आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है स्पेशल प्रैक्टिसेस, तो मैंगो के अंदर कौन कौन सी स्पेशल प्रैक्टिसेस की जाती हैं। अब आपको पता है कि मैंगो के अंदर जो है वो मेनली अगर हम प्रोपिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमने प्रोपेगेशन में भी इसको बहुत बार डिस्कस किया हुआ है कि मैंगो का जो इसका टेक्निक आएगा मोस्ट कॉमन वाला है बॉटम हीट रूट टेक्निक। तो बॉटम हीट रूट टेक्निक से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसके टेम्परेचर रेंज से क्वेश्चन आते हैं, प्लस ये टेक्निक किस मैकेनिज्म के साथ रिलेटेड है इससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम बॉटम हीट रूट टेक्निक की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए जो आप बोल रहे हो, वैसे तो आपका आंसर स्मजिंग भी राइट है, बट स्मजिंग को हम प्रूनिंग प्रैक्टिसेस के, प्रूनिंग टेक्निक के अंदर जो है वो क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पे ओनली हम जो है वो वीनियर ग्राफ्टिंग भी यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि ग्राफ्टिंग आपको पता है प्रोपेगेशन मेथड है, बट हम यहाँ पे स्पेशल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो ना तो यहाँ पे प्रोपेगेशन टेक्निक आएगी और ना ही यहाँ पे क्या है इसका आपको प्रूनिंग टेक्निक आएगी, ना ही प्रोपेगेशन मेथड आएगा। तो यहाँ पे एक तो बॉटम हीट रूट टेक्निक आ जाएगा, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर 30 ± 2 डिग्री रहता है, जो कि रूटिंग को इंड्यूस करने के लिए होती है, प्लस इसको हम कटिंग्स में या फिर कटिंग्स के अंदर मेनली रूटिंग को इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंगो के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि IARA द्वारा रिकमेंड की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कौन सी है, अगर हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की बात करें तो वो कौन सी है, वो आएगी इसके अंदर। आपको पता होगा कि हार्वेस्टिंग टाइम पे मैंगो के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, वो आती है हमारी डीसैपिंग। तो डीसैपिंग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डीसैपिंग का मतलब क्या है,
और इसका पर्पस क्या है। तो दो ही बातें आएंगी यहाँ पे। अब आपको पता है कि मैंगो की अगर हम लीफ को प्लग करते हैं या फिर इसके फ्रूट को बाग से रिमूव करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वाइट मिल्की फ्लूड एक्सट्रैक्ट होता है। उस मिल्की फ्लूड को भी आपको पता है कि हम सैप फ्लो की वजह से होता है वो, जिसको हम लेटेक्स बोलते हैं। तो जब हम मैंगो की हार्वेस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे काफ़ी अमाउंट में जो है वो सैप या फिर उसका फ्लो एक्सक्रीट होता है। और अगर वो एक प्लांट का, एक फ्रूट का सैप दूसरे फ्रूट के साथ टच कर जाए, उसकी स्किन के ऊपर टच कर जाए, तो वो सैप बर्निंग नाम का डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है उसी टाइम पे। तो इसी वजह से मैंगो के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस की जाती है, इसको हम डीसैपिंग बोलते हैं। डीसैपिंग का मतलब होता है कि फ्रूट को हार्वेस्टिंग के बाद उल्टा रख दिया जाता है, तो सो दैट कि उसके अंदर से जो सैप है, वाइट कलर का फ्लूड है, वो रिमूव हो सके। तो उसको हम डीसैपिंग बोलते हैं। और वो की क्यों जाती है, सो दैट कि सैप बर्न इंजरी फ्रूट्स को ना हो सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि मैंगो के अंदर फॉलो की जाती है। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि डीसैपिंग किस फ्रूट में होती है, क्यों होती है और किस प्रकार से इसको किया जाता है। फ्रूट को अपसाइड डाउन रख दिया जाता है, उल्टा रख दिया जाता है, और इससे जो है वो आपका जो लेटेक्स है या फिर सैप है या फ्लूड है वो रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे ये आएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट आता है टाइप एंड रीजन ऑफ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अगर हम पार्थिनोकार्पिक की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि पार्थिनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, सीडलेस फ्रूट की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सीडलेस फ्रूट की बात अगर हो रही है तो मैंगो की सीडलेस वरायटी कौन सी है, वो है सिंधु वरायटी। तो हमारे माइंड में उसी टाइम सिंधु वरायटी के बारे में आना चाहिए। तो अगर सिंधु वरायटी है, सीडलेस वरायटी है, तो इसके अंदर सीडलेसनेस जो है वो किस मैकेनिज्म की वजह से है, तो वो है स्टिनोस्पर्मोकार्पी की वजह से। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैंगो के अंदर पार्थिनोकार्पी जो है वो कौन सी टाइप की प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टिनोस्पर्मोकार्पी आएगा। और इसका मतलब क्या होता है वो भी आपको पता होगा कि जब एम्ब्रियो का एबॉर्शन हो जाता है एट द टाइम ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट, उसकी वजह से सीड की प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाती है, फ्रूट जो है वो सीडलेस बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीनोस्पर्मोकार्पी बोलते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे स्टीनोस्पर्मोकार्पी आएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है कि फ्रूट के प्लांट, इसके मैंगो के प्लांट के अंदर टाइप एंड पर्पज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो इसमें कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज़ किया जाता है और उनका पर्पज़ क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, टैक्लोबुट्राजोल, जिसको हम मैंगो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इसका डिसऑर्डर है उसको क्योर करने के लिए, उसकी रेमेडी के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो आपको पता होगा वो कौन सी है, उसका आंसर आएगा अल्टरनेट बियरिंग। तो अल्टरनेट बियरिंग मैंगो के अंदर की मेन प्रॉब्लम है, तो उसको क्योर करने के लिए हम यहाँ पे जो है वो इसको यूज़ करते हैं। और अगर हम ये बात करें कि इसकी एप्लीकेशन का रेट क्या होना चाहिए, तो वो 10 ग्राम पर ट्री होता है पैक्लोबुट्राजोल का। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करें कि मैंगो में कौन सा यूज़ होता है, तो वो भी आपको पता है कि राइपनिंग के लिए भी हमें ग्रोथ रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो राइपनिंग हार्मोन जो है एथरल को हम इसमें यूज़ करते हैं। तो दोनों यहाँ पे आएंगे और दोनों आपको यहाँ पे याद भी होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ग्रोथ रेगुलेटर से अगर आता है तो यही आता है कि इस पर्टिकुलर फ्रूट क्रॉप में या पर्टिकुलर वेजिटेबल क्रॉप में कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ किया जाता है, उसका पर्पज़ क्या है और उसकी अमाउंट कितनी यूज़ करते हैं। तो सारी बातें आपको यहाँ पर याद होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रूट सेटिंग के लिए मेनली नेफ्थलीन एसिटिक एसिड को यूज़ किया जाता है, तो इसमें ये भी आ सकता आएगा। इसके अलावा आपको नेफ्थलीन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन भी पता होनी चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें मैंगो मॉल फॉर्मेशन की, तो उसके अंदर भी हम एज अ रेमेडी जो है वो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड को ही यूज़ करते हैं। तो तीन चार जो इंपॉर्टेंट रेगुलेटर हैं जो कि मैंगो के अंदर यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद बात आती है वेराइटीज़ की। तो आपको पता है कि मैंगो की जो वेराइटल वेल्थ है वो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी सारी इसकी वेराइटीज़ होती हैं। तो मेनली हम आपको आपको पता है कि दशहरा, लंगड़ी, अगर हम बात करें मेनली वराइटीज़ की क्लासिफिकेशन के अंदर, तो मोनो एम्ब्रॉयनिक आएगी एक तो क्लासिफिकेशन इसकी जो है वो, नेक्स्ट आएगी पॉली एम्ब्रॉयनिक। तो मोनो एम्ब्रॉयनिक मेनली जो है वो नॉर्थ इंडिया में होती हैं वेराइटीज़, और पॉली एम्ब्रॉयनिक जो है वो साउथ इंडिया में है। तो यहाँ पे अब आपने बस इनके नेम्स याद करने हैं कि कौन सी नॉर्थ इंडिया वाली है, कौन सी साउथ इंडिया वाली है, बाकी मोनो एम्ब्रॉयनिक क्या है, पॉली एम्ब्रॉयनिक क्या है, इसका मतलब भी आपको अच्छे से पता है। तो मेनली जो नॉर्थ इंडिया की वरायटीज़ है वो कौन सी, एक तो वो मोनो एम्ब्रॉयनिक हैं प्लस वो ऑल्टरनेट बियरर वरायटीज़ हैं। और यहाँ पर कौन कौन सी आएंगी, लंगड़ा, दशहरी, पैरी, नील, ये सारी वरायटीज़ जो है वो मैंगो की इसमें आएंगी नॉर्थ इंडिया वाली में। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर आपका मेनली जो है वो बॉम्बे ग्रीन आ जाएगा, अल्फोंजो, ये सारी वरायटीज़ जो है वो साउथ इंडिया के अकॉर्डिंग इसमें आएंगी। दूसरा अगर हम बात करें रत्ना की, वो रत्ना वरायटी भी जो है वो इसी में ही प्रेज आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पेशल फीचर ऑफ वरायटीज़ की, तो मैंगो की जो
स्पेशल फीचर्स है, लाइक अगर हमने पीछे बात की थी कि विटामिन सी रिच वैरायटी कौन सी है, तो वो बॉम्बे ग्रीन वैरायटी है। इसके अलावा अगर हम एप्पल शेप्ड वैरायटी की बात करें तो वो रुमानी वैरायटी है जो कि एप्पल शेप्ड है। सिंधु जो है वो सीडलेस वैरायटी है। तो यहाँ पे सारी वैरायटीज़ आपको जो है वो अच्छे से याद होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें कौन सी वैरायटी को बेस्ट वैरायटी मैंगो की कौन सी, वो अल्फोंजो वैरायटी। इसको एक्सपोर्ट पर्पस के लिए भी यूज़ किया जाता है। प्लस इसके अंदर एक डिसऑर्डर भी सबसे ज़्यादा होता है, वो भी आपको पता है कि कौन सा होता है, तो उसका आंसर भी आपने करना है। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि मैंगो की जो है वो ऑक्टापोलाइड वैरायटीज़ कौन सी हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए कि मैंगो की ऑक्टापोलाइड वैरायटीज़ कौन सी। इसमें आपको पता है कि वेलाई कॉलम, गोवा, अलोर, चंद्रकरण, ये सारी जो हैं वो मैंगो की ऑक्टापोलाइड वैरायटीज़ हैं। तो यहाँ पे आपने कैटेगरी रखनी है ऑक्टापोलाइड वैरायटीज़ की, क्योंकि एग्ज़ाम में यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि मैंगो की जो है वो हाईली पॉलीएम्ब्रायनिक या फिर ऑक्टापोलाइड वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं। तो इसमें जो है वो बॉम्बे ग्रीन वैरायटीज़, स्पॉन्जी टिश्यू, बॉम्बे ग्रीन जो है इसकी वैरायटी जो है वो आपकी आएगी इसके अंदर कि उसको GI टैग्ड वैरायटी है। और इसके अलावा मालडा पैरी, ये सारी वैरायटीज़ इसमें आ जाएंगी। वेलाई कॉलम जो है वो मैंगो की ऑक्टापोलाइड वैरायटी है। तो सारी आपको यहाँ पर ध्यान होनी चाहिए, सारी पॉलीएम्ब्रायनिक हैं। पॉलीएम्ब्रायनिक के अलावा इसकी जो है ऑक्टाप्लाइड हो गया, पॉलीएम्ब्रायनिक हो गया, सारे जो कॉलम्स आपके यहाँ पे बन जाएंगे, तो आपको मैंगो की वैरायटीज का यहाँ पे पूरा का पूरा कलेक्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें हाइब्रिड वैरायटीज की, तो हाइब्रिड में कौन कौन सी आती हैं। फर्स्टली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगी रत्ना, रत्ना वैरायटी आएगी। रत्ना का क्रॉस आपको याद है कि RNA इसका जो है वो क्रॉस है, तो उसको आपने नीलम क्रॉस अल्फॉन्सो इसका क्रॉस आया। इसके अलावा अगर हम दशहरी की बात करें तो दशहरी का दशहरी आ जाएगा, रत्न आ जाएगा। प्लस जो स्पॉन्जी टिश्यू रेजिस्टेंट वैरायटीज़ है मैंगो की, वो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉन्जी टिश्यू रेजिस्टेंट में कौन कौन सी आएंगी, इसके अंदर आपका अर्का अनमोल आ जाएगा, अर्का पुनीत आ जाएगा, अर्का रूना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द स्पॉन्जी टिश्यू फ्री पर्पज। तो इसमें जो है अल्फॉन्जो वैरायटी को ही हम यूज़ करेंगे एज ए क्रॉस, तो यहाँ पे सारा जो है इसका आंसर आ जाएगा। यस, यहाँ पे म्यूटेंट वैरायटी भी इसकी आ सकती है जिसको हम रोजिका के नेम से जानते हैं, तो मैंगो की यहाँ पे इसकी म्यूटेंट वैरायटी आएगी। इसके अलावा ये सारी वैरायटीज़ आपने यहाँ पे लिख लेनी है कि कौन कौन सी आएंगी इसके, प्लस उनके पेरेंट्स भी साथ में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है मैंगो का प्लांटिंग टाइम क्या है। तो मैंगो का प्लांटिंग टाइम वही होगा जब हम इसका फ्रूट का हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद कंजप्शन के बाद जो इसका सीड होता है, मैंगो का स्टोन होता है, अगर हमने रूट स्टॉक को रेज करना है तो उसी को ही यूज करेंगे। तो दूसरा आपको ये भी पता है कि मैंगो का जो सीड है वो रिकैल्सिट्रेंट है, तो रिकैल्सिट्रेंट होने की वजह से उसको हमें तभी सो करना पड़ेगा जब हम उसकी फ्रूट से एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसका जो टाइमिंग है वो क्या आएगा, जून टू अगस्त जो है इसका प्लांटिंग टाइम आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें मैथ्रो प्रोपिगेशन की, तो मैथ्रो प्रोपिगेशन को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं बेसिकली, वैसे ही जैसे हमने वैराइटीज़ को किया था, नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सी आएंगी, नॉर्थ इंडिया के अकॉर्डिंग कौन सा प्रोपिगेशन मेथड आएगा, वो आपको पता है वीनियर ग्राफ्टिंग आएगा। और अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो उसमें जो है वो दो मेथड्स आएंगे, इन आर्चिंग जिसको हम अप्रोच ग्राफ्टिंग भी बोलते हैं, और दूसरा आएगा यहाँ पे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग जिसको स्टोन ग्राफ्टिंग भी बोला जाता है। तो अगर आपको यहाँ से ये आ जाए कि मैंगो का ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग कौन सा है, तो उसके रिगार्डिंग आपका आंसर बनेगा इन आर्किंग। जो इन आर्किंग है वो मैंगो का ओल्डेस्ट मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग है। तो ये सारे इसके ग्राफ्टिंग मेथड से, सॉरी इसके प्रोपिगेशन मेथड से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट है यहाँ पे प्लांटिंग सिस्टम एंड स्पेसिंग। तो प्लांटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वही सिस्टम आएगा जो कि मोस्ट वाइडली अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ प्लांटिंग है। तो आपको पता है कि वो कौन सा है, स्केयर सिस्टम जो है इसका आंसर आएगा। तो स्केयर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंगो की स्पेसिंग कितनी है वो भी आपको पता है कि 10 मीटर × 10 मीटर है। बट अगर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करें तो उसके अंदर जो सिस्टम ऑफ प्लांटिंग आएगा वो कौन सा आएगा, ट्रायंगुलर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग आएगा, जो कि अमरापाली वैरायटी के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। और इसकी स्पेसिंग भी आपको पता है कि अमरापाली की स्पेसिंग जो है वो 2.5 × 2.5 मीटर है। तो इस प्रकार से आपका दोनों सिस्टम यहाँ पे कवर हो गए, प्लस स्पेसिंग कितनी है वो भी कवर हो गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है HDP वैरायटी, हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कौन सी वैरायटी को यूज़ किया जाता है। तो उसके अंदर जो आंसर आएगा आपका वो भी आपको पता है कि कौन सा आएगा, अमरापाली इसका आंसर आएगा। इसके अलावा अगर हम ट्रेनिंग सिस्टम की बात करें कि मैंगो का ट्रेनिंग सिस्टम कौन सा है वो आपको, तो आपने अभी आंसर करना है कि मैंगो का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो कौन सा है।
इसके अलावा अगर हम बात करें प्रूनिंग टेक्निक्स की, तो इसमें जो है वो हमारी कौन कौन सी टेक्निक्स आएंगी? एक तो आपने पहले बताई थी सभी ने समर्जिंग आएगा, एक तो जो कि हम ऑफ सीजन फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, प्लस यहाँ पे आपका डी हॉर्निंग आएगा जिसमें जिसके अंदर इंटरमिंगल ब्रांचेस को रिमूव किया जाता है। इसके अलावा डी हॉर्निंग के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्कर्टिंग आएगा मैंगो की, लोअर हैंगिंग ब्रांचेस को रिमूव करते हैं। और इसके अलावा इसमें फोर्थ प्रैक्टिस आएगी रिंगिंग, जिसमें क्या किया जाता है रिंग शेप फॉर्म में बाग को रिमूव किया जाता है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस मैंगो के अंदर आएंगी इसकी। और इसके अलावा अगर हमने टॉप वर्किंग की बात करनी है, रीजुमिनेशन की बात करनी है, तो भी जो है वो टॉप वर्किंग प्रैक्टिस मैंगो के अंदर की जाती है, जो कि एक प्रूनिंग टेक्निक में ही आती है। तो ये सारी प्रूनिंग टेक्निक्स मैंगो के अंदर हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम ट्रेनिंग सिस्टम की बात करें, तो ट्रेनिंग सिस्टम में जो है वो मैंगो का मॉडिफाइड लीडर सिस्टम ही मेनली यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो मॉडिफाइड लीडर सिस्टम आएगा। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें हार्वेस्टिंग इंडिसेस की, तो मैंगो के अंदर हार्वेस्टिंग इंडिसेस मेनली क्या है? तो अगर हम हार्वेस्टिंग इंडिसेस की बात करें, तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि मैंगो की दशहरी वैरायटी में या फिर अल्फोंजो या पैरी वैरायटी की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? तो मेन इसका जो हार्वेस्टिंग इंडिसेस है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि जब किसी भी फ्रूट की हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग टाइम पे उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर आपने करना है उतने टाइम में हम जो है इसको डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या क्राइटेरियाज आएंगे हार्वेस्टिंग इंडिसेस के। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है आपको पता है? तबका स्टेज है। इसके अलावा अगर हम तबका स्टेज के अलावा बात करें, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ही आएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी में मेनली जो है वो दशहरी की अगर हम बात करें तो लेस देन 1 होती है। इसके अलावा अल्फोंजो और पैरी की बात करें, तो वो 1.01 से लेके 1.02 तक होती है अल्फोंजो की और पैरी वैरायटी की। इसके अलावा इसमें क्या आ जाता है? फुलनेस ऑफ द शोल्डर की, मैंगो के जो फ्रूट के शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े से रेज्ड हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। इसके अलावा नेक्स्ट क्राइटेरिया इसके अंदर आएगा कि पेडिसल मतलब कि जो फ्रूट है जिस पोर्शन से बाग के थ्रू अटैच्ड है, तो उसका बाग का कलर चेंज हो जाता है फ्रॉम ग्रीन टू ग्रेइश टू ब्राउन। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग इंडिसीज है। तो यस, वेरी गुड, सभी ने इसका आंसर किया है। रजत ने, पुतिन ने कि इंक्रीज होगी, तो यस इंक्रीज ही होगी। किरण, मनु आपने, किरण ने बोला, वाणी ने बोला कि डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज वाला आपका आंसर रॉन्ग है। इसका आंसर जो आएगा वो इंक्रीज ही आएगा। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है हार्वेस्टिंग टाइम पे जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम ग्रेडिंग सिस्टम की बात करें, तो साइज के अकॉर्डिंग मैंगो के फ्रूट को डिफरेंट ग्रेड्स में क्लासिफाई किया जाता है। तो मैंगो के अंदर मेनली जो है वो 4 साइज के ग्रेड्स होती हैं। इसके अलावा डिजीज की बात करें, तो मैंगो का जो इंपॉर्टेंट डिजीज है वो कौन कौन से हैं? इसका आंसर आपको पता होगा कि मेनली पाउडरी माइल्ड्यू है, या फिर अगर हम बात करें तो पाउडरी माइल्ड्यू के अलावा इसका एंथ्रेक्नोस भी इसका इंपॉर्टेंट डिजीज़ है। तो ये मैंगो के अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट डिजीज़ की कैटेगरी में आएगा। अगर हम पेस्ट की बात करें, तो पेस्ट का भी आपको पता है, प्लांट हॉपर्स आएगा, मैंगो प्लांट हॉपर्स। इसके अलावा नेक्स्ट आएगा इसका, आपको पता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्ट है, प्लस इसका कंट्रोल भी मैंगो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मीली बग जो है इसका आंसर आएगा। मीली बग का कंट्रोल क्या है? आपको पता है कि ट्री की पॉलिथीन या ग्रीस बैंडिंग की जाती है ट्री के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैंगो मीली बग का कंट्रोल होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टोन वीवल की, फ्रूट फ्लाई की, तो ये भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्ट हैं। स्टोन वीवल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ जाता है कि स्टोन वीवल को जो है वो किस कंट्रोल के थ्रू कंट्रोल करते हैं, प्लस फ्रूट फ्लाई को कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें, तो इसको वेपर हीट ट्रीटमेंट के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और स्टोन वीवल को जो है वो इरेडिएशन के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इरेडिएशन कंट्रोल जो है वो किस फ्रूट के लिए, फ्रूट के किस पेस्ट के लिए है, तो वो स्टोन वीवल के लिए है, या फिर अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें तो उसका क्या है? वेपर हीट ट्रीटमेंट है। तो ये सारे जो थी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट स्टोरेज टेम्परेचर की, तो मैंगो के लिए जो आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर है वो है 13 डिग्री सेल्सियस, 85 to 95% तक जो है इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। यहाँ पे आपने दो बातें और ध्यान में रखनी है कि अगर टेम्परेचर 8 डिग्री से बिलो हो जाता है, लेस देन 8 डिग्री टेम्परेचर अगर चला जाता है, तो उस कंडीशन में मैंगो को चिलिंग इंजरी हो जाती है। और अगर टेम्परेचर 15 से ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में भी मैंगो को जो है वो
डिसऑर्डर हो जाएगा, जिसको हम जो है वो हाई टेम्परेचर डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्जी टिश्यू जो है वो मैंगो के अंदर हो जाएगा, उसका जो है वो टिश्यू ब्रेकेज हो जाएगी, या फिर कनेक्टिव हीट की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। तो मेनली हाई टेम्परेचर में ये हो जाएगा, इसी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है, दोनों ही बातें आ सकती हैं कि हाई टेम्परेचर अगर हो जाए तो उसमें क्या हो सकता है, लो टेम्परेचर में क्या हो सकता है, और आइडियल टेम्परेचर इसकी क्या होनी चाहिए। तो आपको तीनों बातें यहाँ पे अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की, तो मैंगो के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, आपको पता है कि सबसे पहले क्या है, मैंगो के अंदर फ्रूट की फील्ड हीट रिमूव की जाती है। तो फील्ड हीट रिमूव करने के लिए मैंगो के अंदर मेनली जो है वो हाइड्रोकूलिंग मेथड को यूज़ करती है। इसके अलावा अगर आपको ये आ जाए कि कौन सा ऐसा पोस्ट हार्वेस्ट मेथड है जिसके अंदर रैपिड कूलिंग होती है, तो रैपिड कूलिंग के लिए जो है वो हाइड्रो कूलिंग ही है, मतलब कि जस्ट वाटर में डिप करना है फ्रूट्स को आफ्टर द हार्वेस्टिंग, तो वो कूल हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर थोड़ा सा लो हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री कूलिंग बोलती हैं, या फिर मेनली उसको हम हाइड्रो कूलिंग बोलते हैं। प्री कूलिंग का मतलब होता है फील्ड हीट को रिमूव करना, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, बट अगर हम स्पेसिफिक मेथड की बात कर रहे हैं हाइड्रो कूलिंग की, तो वो है उसके अंदर जो है वो वाटर के थ्रू ही फील्ड की हीट को रिमूव किया जाता है, और मैंगो के अंदर ये मोस्ट कॉमन मेथड है, और ये रैपिड मेथड भी है अगर हम ओवरऑल मेथड्स की बात करें। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है कि रैपिड मेथड कौन सा है कूलिंग का। तो इसके अलावा दूसरा क्या है, मैंगो के अंदर कौन कौन से प्रोसेस्ड प्रोडक्ट हैं, किस किस पर्पस के लिए मैंगो को प्रोसेसिंग में यूज़ किया जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका RTS आएगा, जूसेस वगैरह जूसेस आएंगे सारे। इसके अलावा मैंगो की पल्प भी इंपॉर्टेंट है, मैंगो का लेदर का जो आम पापड़ बनाया जाता है वो भी इसी में ही आ जाएगा। तो सारे प्रोसेस्ड प्रोडक्ट आपको किसी भी फ्रूट के वेजिटेबल के अच्छे से पता होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस्ड प्रोडक्ट जो है वो किस फ्रूट का है और किस मेथड के थ्रू ये डेवलप किया गया है, तो यहाँ पर आपको जो है वो इसका पता होना चाहिए। तो ये था मैंगो फ्रूट के बारे में। अब आपको एस्टिमेट हो चुका होगा कि कितने कम टाइम में जो क्रॉप हम नॉर्मली मैक्सिमम 1 to 1.5 आवर में कवर करते थे, वो हमारी विद इन 15 to 20 मिनट्स में हो गई है। वो भी हमने सारे पॉइंट्स उसके कवर कर लिए हैं और टेबलर फॉर्म में कर लिए हैं, जो कि आपको एग्जाम में लॉन्ग टाइम तक भी याद रहेंगे। इसके बाद ही अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ, नेक्स्ट फ्रूट क्रॉप को डिस्कस करते हैं। तो उसमें आपको पता है कि नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम गुआवा को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्रॉप के अंदर। फर्स्टली हमने मैंगो को डिस्कस कर लिया है, तो अब गुआवा की बारी है। तो सबसे पहले गुआवा का साइंटिफिक नेम क्या है, सीडियम जावा इसका साइंटिफिक नेम है। फैमिली की अगर बात करें तो इसका अदर नेम क्या है, तो इसको मैंगो को जो है वो पुअर मैंस एप्पल भी बोलते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स भी बोला जाता है, दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, पुअर मैंस एप्पल प्लस एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। इसके अलावा नेक्स्ट फैमिली की बात करें, माइरिटेसी फैमिली है। अब यहाँ पे बात हम कर रहे हैं माइरिटेसी फैमिली की, तो आपने ये बताना है कि कौन से और फ्रूट्स जो हैं वो माइरिटेसी फैमिली के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से फ्रूट्स आएंगे, एक तो गुआवा आ गया, प्लस जामुन भी जो है वो इसी फैमिली के अंदर आएगा। तो जामुन और गुआवा जो है दोनों वो इसी फैमिली के अंदर आएंगे, जामुन भी माइरिटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो अब नेक्स्ट बात अगर हम करते हैं क्रोमोजोम नंबर की, तो गुआवा का क्रोमोजोम नंबर कितना है ये भी आपको पता है। रचना ने आंसर किया है बाथरूम फ्रूट, तो आपका आंसर रॉन्ग है। यहाँ पे बाथरूम फ्रूट जो है वो मैंगो को बोला जाता है, और ये इसको हमने मैंगो का कॉमन नेम है, गुआवा का नहीं है। तो क्रोमोसोम नंबर मैंगो का गुआवा का जो है वो 22 है, तो 22 इसका आंसर आएगा। अगर हम जामुन की बात करें तो इसका जो है वो 40 है, मैंगो की सिमिलर है, तो दोनों बातों का आपने ध्यान रखना है। प्लस अगर हम बात करें कि कौन कौन से फ्रूट्स जो हैं वो पॉलीएम्ब्रोयनिक हैं, मतलब कि उनके सीड जो है वो पॉलीएम्ब्रोयनिक है, तो उसमें मैंगो आएगा, जामुन आएगा, सिट्रस आएगा, तीनों जो हैं वो हाईली पॉलीएम्ब्रोयनिक होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें ओरिजन की, तो मैंगो का गुआवा का जो ओरिजन है वो है ट्रॉपिकल अमेरिका, गुआवा का ओरिजन है। इसके अलावा न्यूट्रिटी वैल्यू की बात करें कि गुआवा के अंदर कौन कौन से वाइटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो गुआवा जो है वो वाइटामिन सी का सोर्स है। आपको पता होगा कि आमला के बाद जिसमें सेकंड हाईएस्ट नंबर पे जो पोजीशन है वाइटामिन सी की, वो गुआवा के अंदर ही है। अप्रॉक्सीमेटली 260 मिलीग्राम
पर 100 ग्राम ऑफ फ्रूट जो है वो वाइटामिन सी प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अगर दूसरा अगर हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करें तो इसके अंदर क्या है, फाइबर का ये रिच सोर्स है। अप्रॉक्सीमेटली 6.9% तक जो है वो गुआवा के अंदर फाइबर प्रेजेंट होता है। इसकी न्यूट्रिटी वैल्यू होने की वजह से इसको जो है वो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं और इसका इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में भी आपको आ सकता है। दूसरा अगर हम बात करें TSS की, तो गुआवा की जो TSS है वो अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 12 डिग्री ब्रिक्स ही होती है। और इसके अलावा एक वैरायटी है जिसकी TSS जो है वो 11 to 12 जो है इसकी TSS के बीच में लाई करती है। प्लस अगर हम बात करें श्वेता वैरायटी की, उसके अंदर TSS जो है वो ज़्यादा होती है और श्वेता वैरायटी की जो TSS है वो 14 डिग्री ब्रिक्स होती है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि मैंगो की किस वैरायटी की TSS जो है वो हाई होती है। दूसरा आएगा एसिड प्रेजेंट कि मैंगो गुआवा के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो गुआवा के अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। आपको पता होगा इसके बारे में, सिट्रिक एसिड जो है इसका आंसर आएगा। तो अब नेक्स्ट बात है प्लांट की बॉटनी के बारे में। तो बॉटनी के अंदर क्या है, इन्फ्लोरोसेंस की बात कर सबसे पहले आएगी। तो इन्फ्लोरोसेंस में इसमें क्या आएगा, साइम्स जो है इसका टाइप ऑफ इन्फ्लोरोसेंस है। पर अगर हम बियरिंग हैबिट की बात करें तो इसका एक्जिलरी ऑन ओल्ड सीजन ग्रोथ, तो इसका पोजिशन क्या आएगा, एक्जिलरी आएगा, मतलब कि इसके जो फ्लावर हैं वो लीफ एक्सिल के इन बिटवीन प्रेजेंट होते हैं और इसका क्या है, ओल्ड ग्रोथ पे वो लाई करती हैं। इसका आंसर ओल्ड ग्रोथ आएगा या फिर न्यू ग्रोथ आएगा, एक्जिलरी ऑन ओल्ड या फिर एक्जिलरी ऑन न्यू, तो इसका आंसर आपने अभी करना है। तो यहाँ पे एक्जिलरी आएगा, एक तो ओल्ड आएगा या न्यू आएगा, इसका आपने बताना है यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट है पॉलिनेशन एंड इट्स मैकेनिज्म। तो पॉलिनेशन सिस्टम इसका क्या है, सेल्फ भी है क्रॉस भी है, दोनों ही इसके अंदर आएंगे। तो मनसा ने बोला है ओल्ड, यस आपका आंसर जो है बिल्कुल राइट है, इसका ओल्ड ही आएगा, एक्जिलरी ऑन ओल्ड सीजन ग्रोथ, वैसे मैंने आपको बता ही दिया था पहले भी। और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें पॉलिनेशन एजेंट, तो पॉलिनेशन एजेंट इसमें क्या है, वही हनी बीज इसका पॉलिनेशन एजेंट है। और इसके अलावा फ्रूट टाइप की बात करें तो इसका जो फ्रूट टाइप है वो क्या है, मल्टीपल सीडेड बेरी है, मल्टीपल सीडेड बेरी जो है इसका फ्रूट टाइप है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें एडिबल पार्ट की, तो इसका जो एडिबल पोर्शन है वो भी आपको पता है, थैलमस एंड पेरिकार्प इसका जो है वो एडिबल पोर्शन है, तो वो इसमें आ जाएगा। अच्छे इसके थ्रू ही आपको जो है वो याद भी हो जाएगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या एग्जाम में आपको आ सकता है। अब हम नेक्स्ट क्लाइमेट की बात करें, तो मैं गुआवा का जो क्लाइमेट है वैसे तो ट्रॉपिकल है, बट ये सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी अडेप्ट हो जाता है, तो इसका जो टेम्परेचर रेंज आएगा वो आएगा ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल। इसके अलावा अगर हम सॉइल पीएच की बात करें, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी है, तो गुआवा की जो पीएच रेंज आएगी सॉइल की वो आएगी 4.5 to 8.2 या फिर 8.5। तो ये जो है वो वाइड रेंज ऑफ पीएच में टॉलरेबल है, वाइड रेंज ऑफ पीएच को अडेप्ट कर लेता है एसिडिक एज वेल एज एल्कलाइन। आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू सैलिनिटी टॉलरेंट गुआवा जो है वो किस कैटेगरी में आएगा, हाईली टॉलरेंट में आएगा, मॉडरेट टॉलरेंट में आएगा या फिर लो टॉलरेंट में आएगा या सेंसिटिव में आएगा। तो गुआवा जो है वो हाईली टॉलरेंट टू सॉल्ट कंडीशन में आएगा, दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। ये वाला पॉइंट जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। राइपनिंग बिहेवियर की बात करें तो इसका भी राइपनिंग बिहेवियर जो है वो क्लाइमेट्रिक है, आफ्टर द हार्वेस्टिंग भी इसकी राइपनिंग जो है वो होती रहती है, तो क्लाइमेट्रिक आएगा। यहाँ पे पिगमेंट की बात करें तो अगर गुआवा की अगर हम पिगमेंट की बात करें, आपको पता है कि गुआवा का जो फ्रूट का कलर है वो ग्रीन कलर का ही होता है आउटसाइड से, बट इनसाइड से वो क्रीमिश कलर का होता है। तो इसका जो पिगमेंट आएगा अगर हम ग्रीन की अनराइप फ्रूट की बात करें तो वो क्लोरोफिल ही आएगा, और अगर हम पल्प की बात करें तो वो आपका जैंथोफिल आएगा। तो पिगमेंट आपने जरूर ध्यान में रखना है, किसी भी फ्रूट का किसी भी वेजिटेबल का एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से एक तो पक्का ही आपको आता है कि इस पर्टिकुलर फ्रूट की पिगमेंट कौन सी, क्योंकि मेनली इनका मेनली फ्रूट और वेजिटेबल को हम क्या बोलते हैं, कलरिंग फूड ही, कलर्ड फ्रूट्स ही, तो कलर्ड फूड बोलते हैं मेनली हम इनको, या फिर अगर हम हॉर्टिकल्चर कमोडिटीज की बात करें तो कलर के साथ ही हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो कलर अगर हम कलर की बात कर रहे हैं तो आपको पिगमेंट जरूर याद होनी चाहिए, एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पक्का आता है। इसके बाद बात है स्पेशल प्रैक्टिसेस की, तो गुआवा के अंदर अगर हम बात करें स्पेशल प्रैक्टिस की तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, इसके अंदर आपने पहले बताया था कि
मैंगो के अंदर आप सभी ने बताया, या तो किसी ने प्रोपिगेशन मेथड बोल दिया, किसी ने प्रूनिंग टेक्निक बोल दी, बट हम स्पेशल प्रैक्टिस का मतलब है कि इसमें किस स्पेशल प्रैक्टिस को किया जाता है। अगर प्रूनिंग को भी हम छोड़ दें, प्रूनिंग वाला प्रूनिंग में आएगा, प्रोपिगेशन वाला प्रोपिगेशन में आएगा, तो यहाँ पर मेनली जो है वो कोई भी इतनी स्पेसिफिक प्रैक्टिस नहीं है। प्रूनिंग टेक्निक इसके अंदर एक मेन होती है, वही हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर इसका पार्थिनोकार्पी, अब यहाँ पर क्या है, ग्वावा के अंदर भी पार्थिनोकार्पी होती है, और पार्थिनोकार्पी का यहाँ पर क्या रीज़न है वो आपको पता होना चाहिए कि बैंडिंग जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बट बैंडिंग प्रूनिंग टेक्निक है, तो वो प्रूनिंग में ही आएगा, तो उसको हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे स्टूलिंग बोला है आपने, तो स्टूलिंग जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि स्टूलिंग प्रोपिगेशन मेथड है, नॉट अ स्पेशल प्रैक्टिस, तो प्रोपिगेशन के अंदर ही आएगा वो। इसके अलावा अगर हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की बात करें, तो इसके अंदर जो पार्थिनोकार्पी मतलब कि सीडलेसनेस है, वो किसकी वजह से है, तो पार्थिनोकार्पी जो है वो ट्राईप्लाइडी की वजह से होती है ग्वावा के अंदर, तो इसका आंसर जो है वो ट्राईप्लाइडी आएगा। और अगर हम ट्राईप्लाइडी की बात कर रहे हैं, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ट्राईप्लाइडी का मतलब क्या होता है, कैसे फिर इसका क्रोमोसोम नंबर वेरी कर जाएगा, तो दोनों ही बातें आपको यहाँ पर ध्यान में होनी चाहिए। यस, मनसा ने बोला है कि जो ग्वावा की विल्ट होती है वो अल्कलाइन सॉइल में ही फेवरेबल होती है, तो यस, विल्ट के लिए वो आइडियल कंडीशन क्या है, उसका पीएच ही उसके लिए आइडियल कंडीशन होती है, तो अगर सॉइल हमारी ज़्यादा अल्कलाइन होगी तो उस कंडीशन में ग्वावा के अंदर विल्ट का अटैक भी हो जाता है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर, हम इसको डिजीज के अंदर भी डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है टाइप एंड पर्पज़ ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर यूज़, ग्वावा के अंदर कौन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज़ किया जाता है। तो अब हमने बात की थी वहाँ पे मैंगो के अंदर हमने पैक्लोब्यूट्राजोल का यूज़ किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें नेथिलीन एसिटिक एसिड का यूज़ किया था फॉर टू इंक्रीज द फ्रूट सेट। इसके अलावा नेथिलीन एसिटिक एसिड को हमने मैंगो मॉलफॉर्मेशन में भी यूज़ किया था, एथिल को भी हमने यूज़ किया था फॉर द फ्रूट राइपनिंग। तो वही सेम है कि यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा। तो ग्वावा के अंदर मेनली जो है वो जिबरेलिक एसिड को यूज़ किया जाता है, किस पर्पज़ के लिए, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करने के लिए, मतलब कि सीडलेसनेस को इंड्यूस करने के लिए। जो अभी हमने पढ़ी थी कि पार्थिनोकार्पी किसकी वजह से होती है, ट्राईप्लाइडी की वजह से होती है, तो ट्राईप्लाइडी को कौन सा हार्मोन इंड्यूस करेगा, वो करेगा जिबरेलिक एसिड। एग्जाम में आपको दोनों ही तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो इसको प्रमोट करता है, पार्थिनोकार्पी को या फिर सीडलेसनेस को, तो इसका GA3 आएगा। प्लस अगर हम बात करें इसके अंदर इसका जो है वो IBA हम इसके अंदर यूज करते हैं रूटिंग के लिए। तो ग्वावा की प्रोपिगेशन प्रैक्टिस है, एयर लेयरिंग प्लस स्टूलिंग भी इसके अंदर की जाती है, दोनों ही हम यूज़ करते हैं। तो अगर हमने वहाँ पे रूटिंग को इंड्यूस करवाना है, तो आपको पता है कि रूटिंग हार्मोन मेनली यूज़ होगा, तो IBA को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों ही मेन ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अगर बात आती है वेराइटीज़ की, तो सबसे पहले अगर वेराइटीज़ की बात कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ आपको पता है कि इसकी कौन कौन सी आएगी, इलाहाबाद फेदा आएगी, इसके अलावा L49 जिसको सरदार गुआवा भी बोलती है वो आएगा, बेहद कोकोनट जो कि इसकी सीडलेस वेराइटी है, ये इंपॉर्टेंट है, सीडलेस वेराइटी है गुआवा की। इसके अलावा नागपुर सीडलेस, सहारनपुर सीडलेस, वो सारी भी इसी के अंदर आएंगी। और अगर हम श्वेता वैरायटी की बात करें, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर ली है कि जिसके अंदर TSS हाईएस्ट होती है, वो भी इसी के अंदर आएगी। और हफ्सी आएगा जो कि रेड फ्लैश वैरायटी है, चिट्टी धर आएगी जो कि इसकी जिसके ऊपर डॉट्स प्रेजेंट होती हैं, तो ये सारी जो हैं इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं ग्वावा की। अब नेक्स्ट बात आती है हाइब्रिड वैरायटीज़ की, तो हाइब्रिड वैरायटी के अंदर अगर हम बात करें, तो इसमें जो है वो हाइब्रिड 45 एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है। आपके लिए क्वेश्चन है कि आपने आंसर करना है कि जो हाइब्रिड 45 वैरायटी है वो किस किस का क्रॉस है, और हिसार सफ़ेदा चिट्टी धर सरदार हाईएस्ट विटामिन सी, यस। तो जो अनीता ने बिल्कुल राइट आंसर किया है कि जो सरदार ग्वावा है उसके अंदर हाईएस्ट TSS होती है, इसी वजह से उसको नेशनल वैरायटी ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। और इसके अलावा मैंने क्वेश्चन किया था कि हाइब्रिड 45 के पेरेंट्स कौन कौन से हैं, इसके अलावा अर्का अमूल्या इसकी इंपॉर्टेंट वरायटी है, तो अर्का अमूल्या के पेरेंट्स क्या हैं प्लस हाइब्रिड 45 के क्या हैं, इसका आंसर आपने अभी करना है। अर्का मूल्या प्लस हाइब्रिड 45 वैराइटीज़ के पेरेंट्स क्या क्या हैं, और इसके अलावा इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू L49 ये बोला है पुतिन ने, इसका क्रॉस है इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू L49, इलाहाबाद L49 क्रॉस सफ़ेदा सरदार इंटू इलाहाबाद सफ़ेदा, तो इसका आएगा बिल्कुल राइट, पुतिन ने सही बताया है इसका।
तो इसका जो आंसर आएगा वो इलाहाबाद सफेदा क्रॉस L49 आएगा। तो ये तो हो गया हाइब्रिड 45। अगर हम बात करें यहाँ पे अर्का अमूल्या वैरायटी की, तो अर्का अमूल्या वैरायटी का क्रॉस क्या आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम में भी आपको आ सकता है कि ग्वावा की जो अर्का अमूल्या वैरायटी है उसका क्रॉस क्या है, तो उसका क्रॉस क्या आएगा, तो इसका क्रॉस जो है वो इलाहाबाद सफेदा क्रॉस सीडलेस वैरायटी आएगा, सीडलेस या फिर ट्राइप्लाइड, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, सीडलेसनेस किसकी वजह से, ट्राइप्लाइडी की वजह से है, तो इसी वजह से जो है इसका ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे दोनों वैरायटीज प्लस बाकी की सारी वैरायटीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। इसके बाद है नेक्स्ट प्लांटिंग टाइम, गुआवा का प्लांटिंग टाइम क्या है, प्लस इसके अंदर डोरमेंसी को ब्रेक करने का इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म भी है, गुआवा के अंदर डोरमेंसी भी होती है, तो आपने बताना है कि कौन सी टाइप की डोरमेंसी है और किस मेथड के थ्रू जो है वो उसको ब्रेक किया जाता है। तो दोनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्लांटिंग टाइम भी आपको फिर उसी अकॉर्डिंग उसका पता चल जाएगा कि इसका प्लांटिंग टाइम क्या आएगा, गुआवा के फ्रूट को कब हार्वेस्ट किया जाता है, तो कौन सा प्लांटिंग टाइम इसके अंदर आएगा। अगर हम यहाँ पे वहाँ पे हमारा जो स्पेशल प्रैक्टिस थी जो पॉइंट हमने स्किप कर दिया था, इसमें हम जो है हमारा यहाँ पे स्पेशली गुआवा के अंदर क्या आएगा, बहार रेगुलेशन या फिर बहार ट्रीटमेंट आएगा, जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी ही ये स्पेशल प्रैक्टिस है। तो आपको दूसरा ये भी पता है कि बहार प्रैक्टिसेस जो हैं वो किस और फ्रूट क्रॉप्स के अंदर की जाती हैं, तो इसका आपको पता है कि बहार ट्रीटमेंट पॉमग्रेनेट के अंदर भी किया जाता है, प्लस सिट्रस के अंदर भी, सिट्रस फ्रूट्स के अंदर भी हम इसको फॉलो करते हैं। बट सभी के अंदर कि कौन कौन सी बहार के लिए, कौन कौन सी बहार में फ्रूट की क्वालिटी बेस्ट होती है वो वेरी करता है। तो अगर हम यहाँ पे गुआवा की बात करें तो आपको पता है कि तीन बहार होती हैं, अंबे बहार, मृग बहार और हस्त बहार। किस बहार की फ्लावरिंग कब होती है ये भी आपको पता है कि इसकी जो है वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में होगी, फेब मार्च में। मृग की जो है मिड ऑफ द ईयर में होगी, जून जुलाई में मेनली इसकी फ्लावरिंग होती है। और इसके अलावा अगर हम हस्त बहार की बात करें तो इसकी फ्लावरिंग जो है वो नवंबर दिसंबर में या फिर अक्टूबर नवंबर में होती है ना, तो अक्टूबर नवंबर ही वैसे आता है इसका। तो ये फ्लावरिंग टाइम्स की बात हो रही है। अगर हम हार्वेस्टिंग की बात करें तो 3 to 4 month आफ्टर फ्लावरिंग जो है वो हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो इसमें जो है वो क्या आएगा, अंबे बहार की हार्वेस्टिंग जो है वो रेनी सीजन में होगी, रेनी मंथ्स में, मतलब कि जून जुलाई में। मृग बहार की जो है वो विंटर मंथ्स में होगी, जो कि दिसंबर जनवरी आएगा, नवंबर दिसंबर आएगा। और इसकी जो है वो स्प्रिंग सीजन में होगी, मतलब कि फरवरी मार्च में होगी। तो आपको अब दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि गुआवा के अंदर कौन सी बहार बेस्ट है। तो कौन सी बहार बेस्ट है, वो होती है मृग बहार, मतलब कि जिसकी फ्रूटिंग जो है वो, सॉरी, गुआवा के अंदर जो है वो अंबे बहार बेस्ट होती है, जिसकी फ्रूटिंग जो है वो मृग बहार ही इसका आंसर आएगा। गुआवा की मृग बहार बेस्ट है, जिसकी फ्रूटिंग विंटर में होती है। आपको दोनों ही ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि गुआवा के अंदर विंटर फ्रूटिंग जो है वो किस सीजन की फ्रूटिंग में क्वालिटी बेस्ट होती है, विंटर फ्रूटिंग में होती है, किस में होती है। तो अगर हम यहाँ पे ये टर्म्स आ रही हैं, रेनी सीजन, विंटर सीजन, तो स्प्रिंग सीजन, ये सारी जो है वो हार्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बातें हो रही हैं कि उसकी हार्वेस्टिंग कब किस सीजन में हो रही है। तो विंटर का मतलब है यस, मृग बहार जो है वो एक्सीलेंट है। वो क्यों एक्सीलेंट है, क्योंकि इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक जो है वो बहुत कम होता है। अगर सपोज करो हमने अंबे बहार को फॉलो किया है, तो अंबे बहार की हार्वेस्टिंग कब हो रही है, जून जुलाई में हो रही है। इसी सीजन में जो है वो फ्रूट फ्लाई का अटैक भी सबसे ज़्यादा होता है, तो फ्रूट की क्वालिटी जो है टोटली ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पे आपका मृग बहार बेस्ट आएगी, विंटर फ्रूटिंग बेस्ट आएगी फॉर द क्वालिटी फ्रूट प्रोडक्शन। दोनों बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी। साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि पॉमग्रेनेट के अंदर कौन सी बहार बेस्ट होती है। तो पॉमग्रेनेट के अंदर जो है वो अंबे बहार बेस्ट होती है, मतलब कि जो रेनी सीजन वाली फ्रूटिंग है वो बेस्ट होती है उसके अंदर। तो यहाँ से आपको दोनों बातें अच्छे से पता होनी चाहिए। यस, आप सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। दोनों बातें ही आपको ध्यान में होनी चाहिए कि कौन सी फ्रूटिंग बेस्ट है प्लस कौन सी बहार बेस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका प्लांटिंग सिस्टम एंड स्पेसिंग। तो गुआवा के अंदर प्लांटिंग सिस्टम कौन सा है, वही स्केयर सिस्टम ऑफ प्लांटिंग है। स्पेसिंग की अगर हम बात करें, कन्वेंशनल स्पेसिंग की बात करें, तो वो आपका आएगा यहाँ पे 6 मीटर × 6 मीटर या फिर 5 to 6 के बीच में वो वेरी करेगा। दूसरा अगर हम बात करें स्पेसिंग की, तो स्पेसिंग 6 × 6 आ गया, प्लांटिंग सिस्टम आपका स्केयर सिस्टम आ गया। इसके अलावा बात आती है हाई डेंसिटी प्लांटिंग की, तो गुआवा के अंदर जो है वो अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग को फॉलो किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडो ऑर्चरिंग भी बोलती हैं। तो उसके लिए इलाहाबाद सफेदा वैरायटी आपको पता है,
जिसके अंदर हम हाई डेंसिटी प्लांटिंग को यूज़ करते हैं, प्लस उसकी स्पेसिंग कितनी है, 0.9 × 2.1 मीटर होती है या फिर 2 × 1 मीटर होती है इसकी स्पेसिंग। तो दोनों आपको ध्यान में रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ट्रेनिंग सिस्टम की बात करें तो गावा का जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो कौन सा है, यस ललित एंड इलाहाबाद फिर द तरुण 8 × 8 नहीं आएगा। गावा की जो स्पेसिंग है वो 6-5 के बीच में ही लाई करती है। योनस ने बोला 3 × 6 = 4 हाई डेंसिटी प्लांटिंग, वेरी गुड योनस। एंड अगर हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग की बात करें जो यहाँ जो कि हमने यहाँ पे की हुई है, तो ये हमारा अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग को ही हम मीडो ऑर्चर्ड पर बोलते हैं। तो मैंगो गुआवा के अंदर मीडो ऑर्चर्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको ध्यान में होना चाहिए। यस वेरी गुड। इसके अलावा नेक्स्ट है ट्रेनिंग सिस्टम, तो ओपन सेंटर सिस्टम जो है इसका ट्रेनिंग सिस्टम है। प्रूनिंग टेक्निक की बात करें तो यहाँ पे अब आपका वो बेंडिंग प्रैक्टिस आएगा जो कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ग्वावा की इंपॉर्टेंट प्रूनिंग टेक्निक कौन सी है, तो बेंडिंग आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस वैरायटी में जो है वो बेंडिंग प्रैक्टिस को नहीं किया जाता है, ग्वावा की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर बेंडिंग प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका आंसर अभी आपने करना है सभी ने। तो आपका बुक्स में जो है वो 5 to 7 के बीच में वेरी करती है इसकी स्पेसिंग, कन्वेंशनल स्पेसिंग। तो आपको जो है इसका आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। वैसे तो इसकी जो आइडल स्पेसिंग होती है कन्वेंशनल वो 6 × 6 ही होती है, बट बुक्स के अकॉर्डिंग वो 5 to 7 के बीच में जो है वो वेरी करती है। तो आपने इसको जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही चूज़ करना है। यस सरदार गुआवा L49 में जो है वो बेंडिंग नहीं होती है, तो ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, हार्वेस्टिंग इंडिसीज। तो गुआवा के अंदर मेनली जो हार्वेस्टिंग इंडिसीज है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इसके अंदर बाहर प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, बाहर ट्रीटमेंट्स को फॉलो किया जाता है। तो अगर हमारे पास हमें पता है कि हमने गुआवा की किस फ्रूटिंग को प्रमोट करना है, तो उसकी फ्लावरिंग कम हो रही है तो उसकी एस्टिमेटेड ही उसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। तो इसका मेन तो हार्वेस्टिंग इंडिसीज यही है कि नंबर ऑफ डेज को कैलकुलेट करना। तो आपको पता होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 मंथ्स में, मतलब कि 120 to 140 डेज के अंदर जो है इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है अकॉर्डिंग टू द बहार। इसके बाद है ग्रेडिंग सिस्टम। तो गुआवा के अंदर मेनली जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम को साइज के बेस पे क्लासिफाई किया जाता है। कुछ वैराइटीज के साइज जो है वो काफी बड़े होते हैं, तो आपको ने ऑब्जर्व भी किया होगा इस चीज को। तो उसी अकॉर्डिंग गुआवा के अंदर जो ग्रेड्स को उसके थ्री टू मेनली इसमें 3 ग्रेड्स ही होते हैं गुआवा के अंदर। यस तरुण, तो इसका जो है वो इस प्रकार से इसमें ग्रेडिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसके डिजीज़, पेस्ट एंड डिसऑर्डर्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके इंपॉर्टेंट डिजीज़ कौन कौन सी हैं गुआवा के अंदर, तो आपको पता होगा कि इसका जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ है फर्स्टली कौन सा आएगा, कौन सा आएगा इसका इंपॉर्टेंट डिजीज़, गुआवा का इंपॉर्टेंट डिजीज़ कौन सा है। और अगर पेस्ट की बात करें तो वो भी आपको पता है कि इसके इंपॉर्टेंट पेस्ट कौन कौन से हैं। यस वेरी गुड मोनिका, गुआवा विल्ट जो है इसका इंपॉर्टेंट डिजीज है। इसको हमने पीएच टाइम पे भी डिस्कस किया था। इसका रीजन क्या है कि अगर पीएच 7.5 to 9 के बीच में रहेगा तो इस कंडीशन में जो है गुआवा को विल्ट का अटैक हो जाएगा। मेनली विल्ट आपको पता है कि विल्ट को कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, तो फ्यूजेरियम यहाँ पे जो है वो विल्ट को कॉज करेगा। किस सवाल में करेगा, इसकी पीएच में। तो एग्जाम में आपको पीएच से भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है उससे भी आ सकता है, प्लस इसका इंपॉर्टेंट डिजीज विल्ट के सिम्टम क्या है वो भी एग्जाम में आपको आ सकती हैं। इसके अलावा किरण ने बोला है टी मॉस्किटो बग गुआवास के लिए, ये इसके इंपॉर्टेंट पेस्ट हैं। सबसे पहले तो क्या आएगा, फ्रूट फ्लाई आएगा जो कि फ्रूट को मेनली हार्म करता है, और इसी अकॉर्डिंग हम अपनी हार्वेस्टिंग या क्रॉप रेगुलेशन भी जो है वो फ्रूट फ्लाई के अटैक को रोकने के लिए ही की जाती है। दूसरा क्या आएगा, टी मॉस्किटो बग इसका इंपॉर्टेंट पेस्ट आएगा। अब आपने ये बताना है कि टी मॉस्किटो बग जो है वो गुआवा के अलावा किस और क्रॉप का इंपॉर्टेंट पेस्ट है। एंड इसके अलावा गुआवा स्केल्स आएगा, मिली बग भी इसके अंदर होता है गुआवा के अंदर। डिजीजेस में जो है वो एंथ्रेक्नोज, ये सारे जो हैं इसके इंपॉर्टेंट डिजीज एंड पेस्ट हैं, आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर आपको इनके इनके जो सिम्टम्स हैं वो तो आपने एक बार में ही पढ़ लेनी है, क्योंकि सभी फ्रूट्स के अंदर सिम्टम्स अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहेंगे, डिजीज और पेस्ट का डिफरेंस ही आएगा, तो उसी अकॉर्डिंग आपने उसको ध्यान में। वेरी गुड, तो कैश्यू नट के अंदर जो है वो टी मॉस्किटो बग कैश्यू नट का इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है आफ्टर द गुआवा। तो गुआवा और कैश्यू नट दोनों का नहीं इंपॉर्टेंट पेस्ट क्या है, टी मॉस्किटो बग है। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो गुआवा का जो इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो कौन सा है, ब्रॉन्जिंग। एग्जाम में बहुत बारी से क्वेश्चन आता है क्यों होता है ये, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से।
तो यहाँ पे ब्रॉन्जिंग गुआवा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ब्रॉन्जिंग के सिम्टम्स क्या हैं, इसका किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, प्लस इसको ट्रीट कैसे करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे इसकी इम्पॉर्टेंट थी। फ्रूट फ्लाई, अनीत ने पूछा है कि फ्रूट फ्लाई मेनली किस फ्रूट का इम्पॉर्टेंट पेस्ट है। तो अगर हम बात करें, मेनली सभी फ्रूट्स के अंदर ही फ्रूट फ्लाई एक इम्पॉर्टेंट पेस्ट का रोल प्ले करता है, बट अगर हमने उसको फर्दर क्लासिफाई करना हो तो जितने भी सॉफ्ट फ्रूट्स हैं उन सभी के अंदर फ्रूट फ्लाई एक मेजर पेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा फ्रूट क्रॉप्स को यही लॉस करती है फ्रूट फ्लाई, और इसी अकॉर्डिंग हम अपना हार्वेस्टिंग टाइम भी डिसाइड करते हैं। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे जितने भी सॉफ्ट फ्रूट्स हैं, मेनली बेरी फ्रूट्स हैं, उन सभी के अंदर जो है वो गुआवा फ्रूट फ्लाई एक इंपॉर्टेंट पेस्ट होता है। वैसे सभी फ्रूट्स के अंदर ही आएगा, बट मेनली सॉफ्ट फ्रूट के अंदर इसका अटैक जो है वो ज्यादा रहता है। इसके अलावा ब्रॉन्जिंग की रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है, सभी ने बताया है लाहाबा सफेदा। वेरी गुड, लाहाबा सफेदा जो है इसकी रेजिस्टेंट वैरायटी है। नेक्स्ट आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। तो गुआवा के अंदर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है कि इसको इसका स्टोरेज टेम्परेचर क्या है। स्टोरेज टेम्परेचर वाला पॉइंट हमारा रह गया यहाँ पे। स्टोरेज टेम्परेचर इसकी रेंज कितनी आएगी, क्या रेंज होती है स्टोरेज टेम्परेचर की गुआवा के अंदर, प्लस इसको पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी मतलब कि पोस्ट हार्वेस्ट या प्रोसेसिंग पर्पस के थ्रू या फिर वैल्यू एडिशन पर्पस के थ्रू इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करती हैं। तो इसका स्टोरेज टेम्परेचर जो है वो 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, 85 to 95 रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके अकॉर्डिंग जो है वो वेरी करता है। और अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका जो टेम्परे मेनली इसको जेली पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, आपको पता होगा, ड्यू टू हाई पैक्टीन कंटेंट, पैक्टीन प्लस हाई एसिड कंटेंट। तो ये यहाँ पे इसका जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है गुआवा का जेली मेकिंग के लिए। यस, 4 to 3 वीक के लिए अगर हम फ्रूट को मेच्योर फ्रूट को स्टोर कर रहे हैं 8 to 10 डिग्री पे, तो वो 2 to 3 वीक तक सर्वाइव कर जाता है। तो जेली पर्पज़ इसका मेन पोस्ट हार्वेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंस है, पोस्ट हार्वेस्ट इसका जो है वो रोल है। तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये हाई पैक्टीन और हाई एसिड होने की वजह से इसको जेली मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। प्लस दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि गुआवा के बाद अगर ऑप्शन एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है कि पैक्टीन रिच फ्रूट कौन सा है, तो आपको पता है कि वो गुआवा है, बट अगर ऑप्शन में गुआवा नहीं है तो जैक फ्रूट भी जो है वो पैक्टीन रिच फ्रूट है। तो गुआवा के बाद अगर इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जैक फ्रूट आएगा। तो आपको ध्यान में होना चाहिए इस चीज़ को भी, क्योंकि गुआवा से तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया है। अब बात आती है कि नेक्स्ट फ्रूट इसका कौन सा आ सकता है, तो जैक फ्रूट जो जो है वो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं, ये थे हमारे एक थोड़ा सा ओवरव्यू कि आपने फ्रूट्स को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है। सिमिलरली अगर आप बनाना को पढ़ोगे तो भी आपका सेम इसी टेबल के अंदर कवर हो जाएगा, जितने भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो इन्हीं इसी टेबल के अंदर कवर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपने इसको पढ़ना है, बहुत ही कम टाइम में अगर आपने रिविजन करनी है तो इस प्रकार से आप इसको कर सकती हो। दूसरा, अब हम बात करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स की, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही इंपॉर्टेंट है, फ्रूट्स एज वेल एज वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स की, कि वेजिटेबल क्रॉप्स के अगर हमने पढ़ना है तो उसके लिए हमारे पास टेबल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, या फिर उसका टेबल किस प्रकार से बनेगा, तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले क्या है, मेन वेजिटेबल हम टमाटो की बात करते हैं। तो अगर हम टमाटो की बात, अगर आप पढ़ रहे हो, सपोज करो कि आपके पास एक पैटर्न में टेबल बना हुआ है, तो जरूरी नहीं कि आपने एक ही को कवर करना है। तो उस टाइम पे आप जो है वो एक पेज पे 3 to 4 को भी कवर कर सकते हो, 3 to 4 फ्रूट्स को या फिर वेजिटेबल्स को साथ साथ में ही उसके कॉलम फिल करते जाओ। जैसे सपोज करो यहाँ पे टमाटो लिख लिया, यहाँ पे पटेटो आ गया, यहाँ पे चिली या फिर अनियन आ गया, तो उसके रिगार्डिंग ही उन तीनों के साइंटिफिक नेम भी साथ में लिख लिए, तीनों का अदर दूसरे नेम्स उनके क्या क्या है वो भी साथ में आ गए। इससे एक तो आपका रिविजन कम टाइम में हो जाएगा, दूसरा आपको एग्जाम में भूलेगा भी नहीं, क्योंकि वैसे तो लिखना सारा पॉसिबल नहीं है, बट अगर उसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं तो वो तो पॉसिबल है लिखना, साथ में आपकी रिवीजन हो रही है, साथ में आपको लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रह रहा है, और आपका टाइम भी कम लग रहा है, आपके इतने सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप इसको इजिली कर सकती हो। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ टमेटो आपको पता है, लाइको परसिकम एस्क्यूलेंटम जो है इसका साइंटिफिक नेम है, अदर नेम इसको वेलाइती
बैंगन के नेम से जानते हैं, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि बैंगन वैसे तो बिंजल को बोलते हैं, बट टमाटो का जो है ये कॉमन नेम है, वेलाइती बैंगन इसको बोलते हैं, प्लस इसको जो है वो और क्या क्या बोला जाता है ये भी आपने, ये आपने बताना है इसका आंसर। और नेक्स्ट आएगा आपका फैमिली कौन सी है, सोलेनेसी फैमिली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है वेजिटेबल्स की। और अब ये बताना है आपने कि सोलेनेसी फैमिली के अंदर यस पुअर मैंस ऑरेंज वॉल्फ एप्पल दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, और सोलेनेसी फैमिली के अंदर कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं। तो इसका आंसर अभी आपने करना है कि कौन कौन सी वेजिटेबल जो है वो एप्पल टमाटो की सोलेनेसी फैमिली के अंदर आएंगी। नेक्स्ट है क्रोमोसोम नंबर 24, इसका क्रोमोसोम नंबर है। और अगर हम बात करें सोलनेसी फैमिली की तो सभी का ही क्रोमोसोम नंबर 24 है, एक्सेप्ट पटैटो, पटैटो का जो है वो 48 है, बाकी सभी का 24 है। तो कौन कौन सी वेजिटेबल्स आएंगी इसके अंदर, पटैटो आएगा, चिली, ब्रिंजल, चिली या कैप्सिकम इसको बोल सकते हैं। तो ये सारी जो है चार वेजिटेबल जो है वो सोलनेसी फैमिली के अंदर आएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट आता है ओरिजन, मैंगो टमाटो का ओरिजन क्या है, आपको पता है साउथ अमेरिका जो है इसका ओरिजन है, और पटैटो का भी जो है वो ओरिजन अमेरिका ही है, वेरी गुड। तो जो है इसका ओरिजन साउथ अमेरिका आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिटिव वैल्यू, टमाटो को जो है आपको पता है कि टमाटो को प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड क्यों बोलते हैं, ड्यू टू इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो न्यूट्रिटिव वैल्यू इसकी क्या है, अगर हम एसिड की बात करें कि टमाटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि टमाटो के अंदर जो है वो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, प्लस एक इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी प्रेजेंट होता है जो कि इसकी न्यूट्रिटी वैल्यू को और भी बढ़ा देता है। तो वो तो आपको पता ही होगा, लाइकोपीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लस इसके अंदर जो है वो मिनरल्स एंड वाइटामिन प्रेजेंट रहते हैं, वाइटामिन सी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो इन सभी की वजह से जो है वो वेरी गुड, तो इन सभी की वजह से क्या है ये हाईली न्यूट्रिटिव फूड बोलते हैं इसको, प्लस इसको प्रोटेक्टिव फूड भी बोला जाता है। दूसरा क्या है, इसको नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल भी बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं वो इसी टमाटो या टमाटो वेजिटेबल से ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में होना चाहिए। प्लांट की बॉटनी की बात करते हैं तो मेनली क्या है, प्लांट का वेजिटेबल के अंदर आपका कॉलम आएगा कि वेजिटेबल के किस पार्ट को एज इकोनॉमिकल पार्ट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो टमाटो में तो फ्रूट ही आएगा, बट अगर हम पटेटो की बात करें, पटेटो के अंदर ट्यूबर आएगा इकोनॉमिकल पार्ट हमारा। इसके अलावा अगर हम रूट क्रॉप्स की बात करें, कॉर क्रॉप्स की बात करें, तो रूट क्रॉप्स में मेनली रूट को हम इकोनॉमिकल पार्ट यूज़ करते हैं कि कौन से पार्ट को हम उसके कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारा जो है आपका यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो इकोनॉमिकल पार्ट इसका क्या आएगा, फ्रूट आएगा टमाटो के अंदर। पॉलिनेशन इसकी कौन सी है, पता होगा आपको कि टमाटो के अंदर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, किस मैकेनिज्म की वजह से होती है, इसका आंसर अभी आपने करना है कि टमाटो के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो किस सेल्फ पॉलिनेशन के मैकेनिज्म की वजह से होगी। तो क्या आएगा इसका आंसर, टमाटो के अंदर जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो चेस्मोगैमी मैकेनिज्म की वजह से होती है। चेस्मोगैमी का मतलब क्या होता है कि फ्लावर ओपन होगा, बट कब होगा, आफ्टर द पॉलिनेशन ओपन होगा, तो उसकी वजह से जो है ये इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है। इसके अलावा टमाटो के अंदर सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंडीशन भी प्रेजेंट रहती है, और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कंडीशन जो है वो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में भी यूजफुल होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मेन पॉलिनेशन इसकी कौन सी है, सेल्फ पॉलिनेशन है, बट इसके अंदर जो है वो इसको क्रॉस पोलिनेशन भी इसके अंदर पॉसिबल है ड्यू टू सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैकेनिज्म। नेक्स्ट आता है एडिबल पार्ट, तो इसका एडिबल पार्ट तो सभी ने बता ही दिया है, बेरी या फ्रूट जो है इसका एडिबल पार्ट है, तो इसका फ्रूट टाइप बेरी ही आएगा। क्लाइमेट क्या है, वार्म सीजन क्रॉप है, तो वार्म सीजन समर टेम्परेचर या फिर इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा अब टेम्परेचर का रोल रहेगा इम्पॉर्टेंट, क्या रहेगा कि लाइकोपिन की फॉर्मेशन के लिए कौन सा टेम्परेचर जो है वो बेस्ट होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, इसको हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वैसे इसका जो आइडियल टेम्परेचर रेंज है टमाटो कल्टीवेशन का, वो है 21 to 27 डिग्री सेल्सियस फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि ये वार्म सीजन क्रॉप है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सॉइल पीएच, तो इसके लिए जो पीएच की रेंज आएगी
वो आएगी अप्रॉक्सीमेटली न्यूट्रल ही पीएच आएगी इसके अंदर 6 to 7 फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स। तो फोटो पीरियडिक रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग टमाटो जो है वो डे न्यूट्रल की कैटेगरी में आता है, तो डे न्यूट्रल जो है इसका आंसर आएगा। इसके अलावा जितनी भी हमारी मेन समर वेजिटेबल्स हैं लाइक टमाटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, चिली हो गया, ये सारे जो हैं वो डे न्यूट्रल में आएंगे। और स्वीट पोटैटो जो है वो शॉर्ट डे में है, स्वीट पोटैटो प्लस बीन्स जो हैं वो शॉर्ट डे की कैटेगरी में आएंगी। और अगर हम बात करें लॉन्ग डे प्लांट्स की, तो जितनी भी हमारी विंटर सीजन वेजिटेबल्स हैं लाइक रूट क्रॉप्स हो गया या फिर आपका कॉल क्रॉप्स हो गए, वो सारे जो हैं वो लॉन्ग डे कंडीशंस में आएंगी। तो ये जो है वो डे न्यूट्रल में आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है पिगमेंट प्रेजेंट। तो इसमें कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट होती है, तो सभी को अच्छे से पता है कि इसके अंदर जो है वो लाइकोपीन प्रेजेंट होती है। लाइकोपीन के अलावा प्रोलाइकोपीन, प्रोलाइकोपीन का मतलब क्या है कि जो टमाटो ऑरेंज कलर का होता है, रेड वाले के अंदर तो लाइकोपीन है, जो स्लाइटली ऑरेंज कलर वाला टमाटो है जिसका कलर ऑरेंज रेड है उसके अंदर प्रोलाइकोपीन प्रेजेंट होती है। प्लस जब हम टमाटो को इमेच्योर स्टेज में हार्वेस्ट करते हैं मतलब कि येलोइश ऑरेंज स्टेज में, तो इसके अंदर जो है वो कैरोटीनॉइड पिगमेंट भी प्रेजेंट होती है। तो तीनों पिगमेंट्स इसके अंदर आएंगी, बट जो मेजर हम हमारे लिए यूजफुल है या जिसको हम यूज़ करते हैं इकोनॉमिकल पर्पज़ के लिए, वो लाइकोपीन ही है। इसके बाद पॉइंट आता है आइडियल टेम्परेचर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकल पार्ट। तो ये पॉइंट वेजिटेबल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे इकोनॉमिकल पार्ट क्या था, फ्रूट था, तो फ्रूट का कलर हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, मतलब कि लाइकोपीन इंपॉर्टेंट थी। तो लाइकोपीन के लिए सुटेबल टेम्परेचर कौन सा है, ये सभी ने बता दिया है 21 to 24 डिग्री जो है लाइकोपीन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। बट अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का इकोनॉमिकल पार्ट क्या है, ट्यूबर है। ट्यूबर के लिए बेस्ट टेम्परेचर रेंज कौन सी है, वो भी आपको पता है 20 डिग्री है। 20 डिग्री से मेनली तो 19 ही है, बट अगर 20 डिग्री से टेम्परेचर अबव हो जाएगा तो लाइक जो पोटैटो ट्यूबर फॉर्मेशन है टोटली ड्रॉप ऑफ हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें रूट क्रॉप्स की, रूट के लिए बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है रूट फॉर्मेशन के लिए, या फिर कॉल क्रॉप्स के लिए बेस्ट टेम्परेचर कौन सा है, तो वो सारा आपका टेबल जो है इसी प्रकार से फिल हो जाएगा उस पर्टिकुलर चीज़ के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट आता है क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ड्रॉप ऑफ इकोनॉमिकल पार्ट। तो मतलब कि जो हमारा इकोनॉमिकल पार्ट था उसके लिए कौन सा टेम्परेचर हार्मफुल है या कौन सा क्रिटिकल है जिसके अंदर उसकी जो है डेवलपमेंट एकदम से रुक जाएगी। तो टमाटो का आपको पता है कि इसका जो टेम्परेचर रेंज आएगा लाइकोपीन जिस पे ड्रॉप ऑफ हो जाती है वो है 27 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ ही अगर हम पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का जो है वो मोर देन 20 अगर टेम्परेचर चला जाएगा तो उस कंडीशन में जो है पोटैटो ट्यूबर फॉर्मेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तभी इसकी हार्वेस्टिंग पोटैटो की जो है वो जनवरी से पहले या जनवरी की स्टार्टिंग में कर ली जाती है, सो दैट कि उसके अंदर जो है इसका टेम्परेचर रेंज 20 से अगर बढ़ जाएगा तो पोटैटो ट्यूबर के जो ट्यूबर्स हैं वो उनकी क्वालिटी पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आता है टाइप एंड पर्पज ऑफ पीजीआर यूज्ड। वेजिटेबल के अंदर भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर को हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपके जो ग्रोथ रेगुलेटर्स आएंगे, सबसे पहले तो क्या आएगा आपका, GA3 आएगा। GA3 क्यों आएगा आपको पता है, फॉर द पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट प्रोडक्शन के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट सीड ट्रीटमेंट की, तो सीड ट्रीटमेंट को जो है वो 2,4-D जो कि हमारा ऑक्सिन है उसके थ्रू किया जाता है। सीड ट्रीटमेंट हम क्यों करेंगे, फ्रूट सेट को इन्हांस करने के लिए या फिर यील्ड को इन्हांस करने के लिए। तो इसके थ्रू जो है वो सीड ट्रीटमेंट आएगा यहाँ पे। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें PCPA, जिसको हम पॉलीसाइक्लोफिनॉल एसिटेट बोलते हैं, इसका भी मेन रोल है, इसकी कंसंट्रेशन एग्जाम में आ जाती है। वेरी गुड किरण, आपने बोला है PCPA CCC एथरल। तो इसके अलावा नेक्स्ट आएगा आपका CCC साइकोसल, जिसको बोलते हैं एथरल, तो आपको पता है कि फ्रूट राइपनिंग के लिए यूजफुल है। तो अब PCPA का रोल क्या है, इसको मेनली फ्रूट सेट एंड यील्ड को इन्हांस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जाम में इसकी कंसंट्रेशन भी आ जाती है कि PCPA जो है वो कितनी कंसंट्रेशन में अप्लाई करते हैं टू इंक्रीज द फ्रूट सेट एंड यील्ड, तो वो जो है वो 220 ppm इसको यूज़ किया जाता है। और अगर हम एथरल की बात करें, आपको पता ही है इसको राइपनिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो इसका जो अमाउंट है वो 1000 ppm होता है। और CCC को किस लिए यूज़ करते हैं, इसको जो है वो प्लांट हार्डनिंग के लिए प्लस वायरस फ्री करने के लिए जो है इसको यूज़ किया जाता है। इसको 200 ppm हम इसका जो है वो अमाउंट
यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो और इसको जो है वो फॉलियर स्प्रे के थ्रू ऐड किया जाता है। एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पटैटो टमाटो का ऐसा कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर है जो कि फॉलियर स्प्रे के थ्रू एप्लीकेट किया जाता है। तो इसका जो आएगा आपका PCPA आएगा। तीन क्वेश्चन यहाँ से आपको आ सकते हैं, एक तो कौन सा है जो फ्रूट सैटन यील्ड को इन्हांस करता है, दूसरा किसको हम फॉलियर स्प्रे के थ्रू ऐड करते हैं, और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी होती है। तो आपको तीनों बातें ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है करेक्टरिस्टिक केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट है जिसकी वजह से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है। अब हम यहाँ पे अगर चिली की बात करें, आपको पता है कि चिली के अंदर पंजेंसी है जो कि केमिकल कंपाउंड की वजह से है, तो पंजेंसी का केमिकल कंपाउंड आ सकता है आपको। इसके अलावा नेक्स्ट आपको आ सकता है कि चिली का जो कलर है वो किस कंपाउंड की वजह से, कैप्सिका जेंथीन की वजह से है, और कैप्सिकन की वजह से पंजेंसी है, और अनियन और गार्लिक का भी सेम आएगा कि पंजेंसी किसकी वजह से है, और उनके अंदर बाकी के जो एंटी बैक्टीरियल सब्सटेंसेस हैं, एंटी फंगल सब्सटेंसेस हैं, या फिर उसका ये सारी जो एक्टिविटीज़ है वो किस किस कंपाउंड की वजह से है, तो वो आपके सारे यहाँ पे हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे टमाटो की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको पता ही है कि लाइकोपीन ही आएगा, इसका जो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है इसके अंदर लाइकोपीन ही प्रेजेंट होता है, तो ये आपका इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है आपका, जिसने भी टोमेटिन आंसर किया है आपका आंसर रॉन्ग नहीं है, बट आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर रॉन्ग है। टोमेटिन क्या है? टोमेटो का एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो ये टॉक्सिक की कैटेगरी में आएगा, ना कि आपका यूज़फुल की कैटेगरी में आएगा। तो यूज़फुल वाले में तो आपका लाइकोपीन ही आएगा जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, और यहाँ पे आपका टोमेटिन आएगा जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब आपने ये बताना है कि टोमेटिन जो है वो कितनी अमाउंट में जो है फ्रूट के लिए, हमारे खुद के लिए जो टॉक्सिक होता है, तो इसका आंसर आपने करना। यस किरण, आपने बताया सल्फोनियम, ये भी आपका आंसर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है स्पेशल कल्चर प्रैक्टिसेस। तो अब टोमेटो के अंदर कौन कौन सी स्पेशल कल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं? आपको पता है कि टमाटो जो है वो दो टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, बुश टाइप एज वेल एज इनडिटर्मिनेट टाइप, जिसको हम पॉलीहाउस टाइप भी बोलते हैं। तो अब जो इनडिटर्मिनेट टाइप है, मतलब कि जिसकी ग्रोथ जो है वो अनकंट्रोल्ड हो रही है, उसके केस में क्या है, टमाटो गुआवा क्रोमोसोम नंबर इज 22, बट अगर हम ट्राईप्लाइड की बात कर रहे हैं जो कि सीडलेस है, तो उसके अंदर जो है वो 33 आएगा। यस, 300 मिलीग्राम जो है टोमेटोमैटिन प्रेजेंट होती है, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। तो स्पेशल कल्चर प्रैक्टिसेस में क्या आएगा? अब हम बात कर रहे थे इनडिटर्मिनेट टाइप की, जो कि ग्रीन हाउस में या पॉली हाउसेज में ग्रो किए जाते हैं, टोमेटो वेलो वाले जो होती हैं, तो उनके अंदर मेनली स्टेकिंग, एंड स्टेकिंग का मतलब क्या होता है, सपोर्ट देना, प्लस टाइंग मतलब कि प्लांट को ऊपर से बांध देना कि उसकी ग्रोथ जो है वो उतनी ही हो, उसको टाइंग एंड स्टेकिंग बोलते हैं। ये हमारा टमाटो के अंदर इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। प्लस इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रीन हाउस वाले के अंदर, तो पिंचिंग भी एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। पिंचिंग का मतलब क्या होता है कि टर्मिनल बड को या टर्मिनल पोर्शन को जो है वो 7 डेज के इंटरवल के बाद रिमूव करना, सो दैट की एग्जैक्टली ग्रोथ प्रमोट हो और फ्रूटिंग एरिया, फ्रूटिंग नंबर इंक्रीज हो, उस चीज़ के लिए जो है वो इसको किया जाता है। तो आपका जो है ये पिंचिंग आएगा यहाँ पे, स्टेकिंग आएगा, प्लस टाइंग आएगा, ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो टमाटो के अंदर की जाती हैं। इसके अलावा अगर हम वेराइटीज़ की बात करें, तो वेराइटीज़ में आपका आएगा, आपको पता है कि टमाटो की तो बहुत सारी वेराइटीज़ प्रेजेंट हैं। इसके कौन कौन सी है, पूसा रूबी है, रूबी रेड है, जायोक्स है, बेस्ट ऑफ ऑल है, मारग्लोब है। इसके अलावा अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि इनडिटर्मिनेट टाइप वेराइटीज़ कौन कौन सी हैं, तो इनडिटर्मिनेट में आएगा आपका जो कि ग्रीन हाउसेज में ग्रो होती हैं, पंजाब जुहारा वैरायटी है, पियर शेप्ड फ्रूट जिसका होता है, और मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी की बात करें हम, वो है पूसा उपहार वैरायटी है। तो मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट ग्रीन हाउस में क्या है, ऑफ सीजन कल्टीवेशन भी उसको बोल देते हैं। तो उसमें क्या है कि अगर हमारा नेचुरल कंडीशन में, नेचुरल इन्वायरमेंट में टेम्परेचर लो है, तो उस कंडीशन में क्या है, ग्रीन हाउस में वो टेम्परेचर जितना प्लांट को चाहिए उतना ही होता है, मतलब कि डिपेंड करता है। अगर तो प्लांट को लो टेम्परेचर चाहिए तो वो नॉर्मल वाले से लो होगा, बट अगर उस पर्टिकुलर स्टेज पर उसको हाई टेम्परेचर चाहिए तो नॉर्मल वाले से वो हाई भी हो सकता है। इसी वजह से टमाटो की जो प्रोडक्शन है ग्रीन हाउसेज में, वो विंटर सीजन में भी की जाती है, क्योंकि उस पर टेम्परेचर उस टाइम पर उसका कंट्रोल हाई कर देती हैं, उसको इंक्रीज कर देती हैं, सो दैट कि विंटर सीजन में भी, मतलब कि ऑफ सीजन में भी उसकी प्रोडक्शन जो है वो हो सके। तो अभी आप पर ने आंसर किया है
अनिल ने, फ्लेवर सेवर वैरायटी जो है वो बायोटेक्नोलॉजी मेथड से डेवलप्ड है। तो ये तो ठीक है कि बायोटेक्नोलॉजी से डेवलप है, प्लस उसके अंदर एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू उसको डेवलप किया गया है। अब आपने ये बताना है कि जो फ्लेवर सेवर वैरायटी है टमाटो की, वो उसकी स्पेशल फीचर क्या है, किस पर्पस के लिए उसको डेवलप किया गया है, या उसका पर्पस स्पेशल क्या है, तो उसका आंसर आपने अभी करना है। श्वेता की जो TSS है गुआवा की वैरायटी की, वो 14 डिग्री है, 12 डिग्री नहीं है, तो 14 उसका आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे इनडिटर्मिनेट टाइप के टमेटोज कौन कौन से हैं? जायोक्स है एक, तो इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करें, पूसा रूबी है, मार्गलोब है, ये सारे टमेटोज जो हैं वो इसमें ग्रो किए जाते हैं आपका ग्रीन हाउसेस के अंदर। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें कि टमाटो का कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं फर्दर मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट कौन सी है, तो इसकी जो अभी किसी ने आंसर किया था इसका, फ्री फ्रॉम, अनिल ने बोला है फ्री फ्रॉम वायरस, टोमेटो मोज़ेक वायरस, अर्का विश्वास, तो अर्का सम्राट वैरायटी जो है टोमेटो की वो है मल्टीपल डिजीज रेजिस्टेंट। तो इसका जो मेन फीचर है फ्लेवर सेवर वैरायटी का, वो है इसकी शेल्फ लाइफ सबसे ज़्यादा लॉन्ग होती है, तो इसकी हाईएस्ट शेल्फ लाइफ होती है, और इसका मेन फीचर है फ्लेवर सेवर वैरायटी का। इसके साथ ही ये डिजी वायरस फ्री भी होती है, और जो है इसको ये वायरस फ्री वैरायटी होती है। यस किरण, बिल्कुल राइट बोला आपने, लॉन्ग शेल्फ लाइफ होता है इसका। और इसके अलावा अर्का रक्षित, सारी वैरायटीज आपको पता है कि टमाटो की कौन कौन सी हैं, तो ये सारी जो है वो आपको पढ़ लेनी है। स्पेशल फीचर में भी वही सारी आ जाएंगी, फ्लेवर सेवर आ जाएगी। इसके अलावा टमाटो की सीडलेस वरायटी कौन सी है, ये आंसर आपने करना है कि टमाटो की, क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे कि GA3 को हम सीडलेसनेस के लिए यूज़ करते हैं, बट वो वैरायटी कौन सी है जिसके अंदर GA3 को यूज़ करके क्या है सीडलेसनेस को इंड्यूस किया गया है। तो वो वैरायटी है आपकी सेवरे सेवरिन इन वैरायटी टोमेटो की, जो है वो सीडलेस वैरायटी है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकती है। प्लांटिंग टाइम इसका क्या है वो आपको पता ही है, ग्रीन हाउस में अगर करना है तो ऑफ सीजन भी कर सकते हैं, विंटर सीजन में भी हो सकती है। इसके अलावा अगस्त भी इसका, अगस्त सितंबर जो है वो इसका इसका जो है वो आइडियल टाइमिंग है इसकी, तो उस अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर पता हो जाएगा। नेक्स्ट है सीड रेट, तो वेजिटेबल में इंपॉर्टेंट क्या आएगा इसका, सीड रेट आएगा। सीड रेट के साथ ही ये आएगा कि सीड प्रोडक्शन इस पर्टिकुलर वेजिटेबल में किस मेथड के थ्रू की जाती है, और आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी रहती है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम सीड रेट की बात करें तो आपको पता है 400 to 500 ग्राम पर हेक्टेयर जो इसका सीड रेट होता है। दूसरा क्या है, अगर हम हाइब्रिड की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिड का सीड रेट जो है वो 150 to 200 ग्राम पर हेक्टेयर रहेगा। और आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी है फाउंडेशन सीड की, अगर हम बात करें, दूसरा सर्टिफाइड की बात करें, तो फाउंडेशन की जो है वो 50 मीटर है, सर्टिफाइड की जो है वो 25 मीटर है। और इसके अलावा सीड प्रोडक्शन मेथड की बात करें, तो टमाटो के अंदर जो है वो सीड प्रोडक्शन मेथड जो है वो कौन सा होता है, तो ये आपका आएगा यहाँ पे हैंड पॉलिनेशन एंड इमेस्कुलेशन। क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि टमाटो के अंदर जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, सेल्फ पॉलिनेशन क्यों है, ड्यू टू चेस्मोगेमी मैकेनिज्म। तो अब यहाँ पे हमें सीड प्रोडक्शन करनी है, मतलब कि हाइब्रिड सीड्स को डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलन्स को रिमूव करना पड़ेगा खुद से, मतलब कि उसकी मैस्कुलेशन करनी पड़ेगी। तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, हैंड पॉलिनेशन एंड मैस्कुलेशन। तो इसका जो है ये सीड प्रोडक्शन मेथड आएगा। वेरी गुड जिसने भी इसका आंसर किया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है इसका, दूसरा क्या है, अब हमने सीड को फ्रूट से एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का मेथड कौन सा है, उसके पास, उसके लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो अल्कली मेथड है, प्लस दूसरा है एसिड मेथड। तो अल्कली मेथड में क्या आएगा, हम बेसिकली जो है वो अल्कली को यूज़ करेंगे, कौन सी अल्कली को करेंगे इसका मेथड आपने इसका नेम बताना है, और उसको यूज़ करते हैं तो बेस्ट मेथड कौन सा आएगा, वो अल्कली मेथड ही आता है, दोनों आपको ध्यान में होने चाहिए। हार्वेस्टिंग इंडिसेस क्या है इसका, वही सेम चीज़ है, कलर ब्रेकर स्टेज इसका इंपॉर्टेंट, हार्वेस्टिंग इंडिसेस है, मतलब कि कलर का डेवलपमेंट या फिर कलर का चेंज ग्रीन कलर से येलो कलर से रेड में
हो जाएगा, चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, इसका हार्वेस्टिंग इंडिसेस बोलते हैं। अगर हमें डिस्टेंस मार्केट में लेके जाना है तो 75 to 80% कलर ब्रेक स्टेज हो जानी चाहिए, मतलब कि 75 to 80% तक वो मेच्योर हो जाना चाहिए, उसका कलर डेवलप हो जाना चाहिए। और अगर हमने नज़दीक नेड़े वाली मार्केट में लेके जाना है तो उसके लिए उसका जो है वो 85 to 90% तक कलर डेवलपमेंट जो है उसका हो जाना चाहिए। दूसरा क्या है, टमाटो के अंदर फ्रूट फर्मनेस को ड्यूरामीटर के थ्रू मेजर करते हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ये भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा सीड यील्ड कितनी होती है टमाटो के अंदर, तो टमाटो की जो सीड की यील्ड है वो 300 to 400 kg पर हेक्टेयर होती है। इसके अलावा स्टोरेज टेम्परेचर इसका क्या है, तो 7 to 10 जो है इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है। उसी के साथ ही इसकी ह्यूमिडिटी रेंज भी आपको पता होगी, 85 to 95% तक उसकी वही सेम ह्यूमिडिटी रेंज रहेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पेस्ट की, डिजीज़ की, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की, तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, इसका प्री कूलिंग टेम्परेचर आएगा जो कि 13 डिग्री होता है टू रिमूव द फील्ड हीट। इसके अलावा आपको पता है कि टमाटो से वेरियस प्रोसेस्ड प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कि जेली हो गया, सॉरी इसकी सॉसेज हो गया, कैचअप्स हो गया, टमाटो पेस्ट हो गया, टमाटो प्यूरी हो गया, तो उन सभी का आपको जो है वो यहाँ पे TSS भी पता होना चाहिए, प्लस टमाटो के इंपॉर्टेंट पेस्ट डिजीज डिसऑर्डर्स कौन से हैं ये तो हमने बहुत बार डिस्कस भी किए हुए हैं, तो सारे आपके जो है यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ये पता चल गया कि किस प्रकार से जो है वेजिटेबल्स को बढ़ना है, वेजिटेबल का टेबल आपका बनेगा और फ्रूट्स का कैसे बनेगा, तो उसी प्रकार से आपने अभी इनको जो है वो क्लब कर लेना है, सारी की सारी क्रॉप्स को यहाँ पे कवर कर लेना है, तो आपको रिवीजन करनी बहुत इजी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से आई होप कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ, और ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पायरेंट्स जो कि हरियाणा एडियो के लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो पढ़ते रहिए और आपको जो है वो एग्जाम में बेटर परफॉर्म करना है। तो थैंक यू टू ऑल।